हे गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो यार गाइस, जैसा कि आप सभी ने लास्ट एपिसोड देखा था तो आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड गाइस माइकल एंड लेस्टर दोनों किडनैप्ड है। और भाई, लास्ट एपिसोड माइकल को ये लोग ना, मतलब जो अपने एनिमी थे ना, वो मारने के लिए लेकर गए थे माउंट चिलियट पर। और भाई, जब वहां पर ले गए ना मारने के लिए, तो यार मुझे पता चला कि यार एनिमी में से ना एक बंदा फेस बदल कर था, जो कि था अपना दोस्त ट्रेवर था। और भाई, लास्ट टाइम ना ट्रेवर ने अपनी जान बचा ली थी, और उसके बाद गाइज ट्रेवर और मैं दोनों मिलकर ना बदला लेने के लिए निकल गए, और साथ ही साथ ना गाइज लेस्टर को बचाने के लिए भी। और हम लोगों ने गाइज एक वेपन वाली गाड़ी और खतरनाक वेपन का जुगाड़ किया, और उसके बेस में जाकर ना भाई पूरी बैंड बजा दी। अब यार यहाँ पर हम लोग आए थे ना लेस्टर को बचाने के लिए, बट भाई लेस्टर ना, सबसे बुरी बात ही ना, लेस्टर भाई सब यहाँ पर था ही नहीं। फैक्ट्री के अंदर जाने के बाद ना मुझे पता चला लेस्टर ने एक ट्रेवर के फोन पर मैसेज डाला, जिस समय पता चला कि वो किडनैप्ड है। और फिर भाई हमें कोई लोकेशन नहीं मिला, तो लोकेशन निकालने के लिए मैंने और ट्रेवर ने भाई लेस्टर को ढूंढने के लिए प्लान बनाया, एक हैकर को ढूंढने का, जो कि लेस्टर का पुराना फ्रेंड पेज हैरिस था। अब भाई उसको ढूंढने के बाद हम लोग बहुत इजीली ना लोकेशन निकाल लेते हैं लेस्टर का। लोकेशन निकाल करना सीधा हम लोग चले गए लेस्टर को बचाने के लिए। और गाइजर, आपको पता होगा मुझे ना भाई वहां पर जाने के बाद ना एक छोटा सा घर दिखा, जिसके फ्रिज के पीछे ना एक सीक्रेट दरवाजा था। और भाई उस दरवाजे के अंदर मैं जैसे गया ना, वैसे मेरे को उसके अंदर मिला लेस्टर पड़ा हुआ। और भाई लास्ट हम लोग वहां पर जाकर ना फंस गए, क्योंकि यार उसके बाद ना ड्रग माफिया और उसके पास जो एक हैकर लेडी थे ना भाई, उन दोनों ने मिलकर ना बहुत खतरनाक हमें फंसा दिया। अपने बंदों को बुला कर ना पूरा RPG फिल्म मरवाने लगे। और उसके बाद ना गाइस वहां पर लेस्टर को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि बाहर बहुत से बंदे थे। ओके, तो चलो भाई साहब, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो अभी ना भाई हम लोग यहाँ पर फंसे पड़े हैं, पूरा लाइट वाइट जा चुकी है। और अंदर की तरफ ना, मतलब बाहर की साइड ना, कुछ बंदे हैं जो कि कुछ ज्यादा खतरनाक तरीके से फायर कर रहे हैं। और अभी देखो इतने सारे पैसे वैसे यहाँ पर पड़े ना भाई, ये सारे पैसे तो लेंगे ही लेंगे, बाकी यार जो अपना पैसे वैसे चोरी हुआ ना भाई, जो बैंक अकाउंट हैक करके लेस्टर के अकाउंट से सारे पैसे खाली कर दिया ना भाई, वो पैसे भी अपने को चाहिए ही चाहिए भाई। बहुत गुस्सा आ रहा मेरे को भाई, कितने बंदे हैं ना यही मुझे पता नहीं, वरना जा करके अभी सबको मार देता। बट चलो गाइस, अभी ना कुछ भी करके ना हमें लेस्टर को यहाँ से सही सलामत बचाना है। और ट्रेवर जा रहा है ऊपर के साइड देखने के लिए, मैं भी एक काम करता हूँ, एक बार ना जा करके देख लेता हूँ कितने बंदे हैं। और लाइट वाइट ऑन करना पड़ेगा, अबे नहीं फिर से नीचे गिर गया तेरी प्यास की टांग। लेट्स गो, फटाफट ऊपर चलते हैं। और ये फायर कर करके भाई क्या सीन कर रहा है बंदा, एक सेकंड यार भाई, कहाँ पर फायर कर रहा है ये मुझे नहीं पता, बट बंदा ना भाई ओके ट्रेवर आई थिंक जा करके ना उसको बचा दिया है। चलो छोड़ो कोई ना, बाकी यहाँ पर हैकिंग वाले सारे डिवाइस तो देखो यार, मतलब सारे बैंक अकाउंट लोगों ने खाली कर दिया है लेस्टर का अकाउंट हैक करके। और भाई अभी ना पैसे मेरे को किसी भी हाल में वापस चाहिए, वरना भाई ये जो पैसे ना भाई हम लोगों ने बहुत मेहनत करके रोब किया था। इधर तो कोई नहीं है, और आई थिंक ना ट्रेवर ने ऊपर जा करके दो चार बंदों को डाउन कर दिया, चूँकि RPG फायर कर रहे थे। और अभी ना गाइज मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना है, लेकिन निकलने में ना कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम लोग इजीली गन है, जा करके बचा सकते हैं जो RPG चला रहे हैं और निकल सकते हैं। बट लेस्टर का क्या करें यार, ये बंदा ना मतलब सही ढंग से अभी तक ठीक नहीं हुआ भाई, पता नहीं इसको क्या कितना मारा था। और इसके साथ साथ भाई इसको ना कुछ इंजेक्शन वगैरह दिया होगा ना, जिसके कारण भाई इसकी हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। बंदा मतलब कुछ थोड़ी बहुत तो बातें हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है ना भाई ये होश में बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आँखें वाँखें तो खुली है, सांस ले रहा है, जिंदा है, बट पूरी तरीके से ना एक होश में नहीं है। खैर गए अभी ना ट्रेवर मुझे लगता है ना बाहर सारे बंदों को ना डाउन वाउन कर दिया है। ओ वेट भाई, लाइट ओके हो सकता है, ट्रेवर ने ना जा करके ऊपर से लाइट वगैरह ऑन कर दी है फिलहाल, ओके। बट एक सेकेंड गाइज, लास्ट हम लोगों ने जिनको डाउन किया था ना, ड्रग माफिया और वो हैकर गर्ल, वो यहाँ पर नहीं है, और इसका मतलब ये है ना भाई कि वो लोग यहाँ से उठ करके जा चुके हैं। और भाई ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी, लास्ट टाइम लोगों ने उसको मारा नहीं। अब भाई मारने का ना एक और बहुत बड़े रीज़न ये है ना नहीं मारने का, भाई देखो पैसे लोगों ने भाई हैक करके कहाँ ट्रांसफ़र किया है, किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है वो तो हमें नहीं पता ना भाई। अगर हमें पैसे वापस चाहिए तो उनको जिंदा पकड़ना पड़ेगा, और जिंदा पकड़ करके ना भाई उनके अकाउंट से अपने अकाउंट में फिर से वापस पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, लेकिन ये कैसे करेंगे ये हमें नहीं पता। बट लेस्टर मुझे ना यही मतलब थोड़ी बहुत बातें बोला था कि हमें ना उनको जिंदा रखना पड़ेगा, मजबूरी हमारी उनको जिंदा रखने का, और इससे ना भाई मैं ऊपर आकर के उनको ना ख़त्म नहीं किया, और उनके बदले आकर के उनको बचा कर ले गए। बट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट एक बार ट्रेवर को कॉल करते हैं, उसको बोलते हैं बाहर का क्या सीन है, एंड हम लोग यहाँ से भाई फटाफट निकलते हैं। ओके, तो चलो गाइस, ट्रेवर मुझे बोल रहा है यार कुछ भी हो जाए बाहर मत आना, और साथ ही साथ लेस्टर को तो बिल्कुल भी लेकर मत आना, क्योंकि भाई बाहर ना वो बोल रहे हैं बहुत सारे बंदे हैं, और जो ड्रग माफिया और वो लेडी है ना भाई, अपने बहुत से गुंडों को बुला करके हमें भाई चारों तरफ से ना, मतलब बिल्डिंग है ना उनके चारों तरफ बंदे रख रखा है, और आई थिंक ना ये लेस्टर उनसे लड़ाई कर रहा है जो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। भैया हमें यहाँ पर चुप कर रहना पड़ेगा यार, पता नहीं कैसे बचेंगे, कैसे बचाए हम लोग लेस्टर को यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। तो यार गाइस, जिस वक्त हम लोग कैसे बचाए लेस्टर को, खुद कैसे बचे ये समझ नहीं आ रहा, मतलब खुद तो बच जाएंगे
लेकिन भाई लेस्टर मर जाएगा यार, ये इसकी हालत सही नहीं यहाँ से उठा कर ले जाने के लायक। तो चलो गाइस यार, आज वाली वीडियो में लाइक टारगेट है पूरे 13,000 का, भाई जाकर ना फटाफट से लाइक टारगेट कंप्लीट कर दो ताकि नेक्स्ट एपिसोड ना भाई जल्दी से जल्दी आए। और गाइस अभी ना हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलने का, बट आप लोगों ने गाइस कोशिश करो कि फटाफट ना 13,000 लाइक 13,000 लाइक ना कंप्लीट करवा दो। तो अभी जाओ और लाइक बटन दबाओ। ओके चलो ठीक है, यहाँ पर भाई सीढ़ी थोड़ा जहाँ पर था तो यहीं से, वेट 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 भाई साहब एक सेकेंड, अभी इसकी हालत क्या हो गई है भाई, ये बाहर जाके लड़ने गया था भाई, अबे क्या, वेट भाई बेहोश हो गया ये भी। अरे गाजर ये क्या सीन हो रहा है भाई, ट्रेवर प्लीज यार ऐसे ऐसे टाइम पे भाई, ऐसे टाइम पे ऐसे हालत मत भाई, भाई एक सेकंड ये क्या हो रहा है भाई, ये बोल रहा है भाई बाहर मत जाना, बाहर मत जाना। और भाई ये तो यार गाइस जिस वक्त भाई ट्रेवर की हालत ना बहुत बुरी हो चुकी है भाई, दो चार बुलेट लगी है और भाई देख रहे हो पूरा खून से भर गया बंदा। और भाई फिदा ना यहाँ पर आकर के भाई बेहोश हो गया, मेरे को बोला ना भाई बाहर मत जाना और उसने गेट ना लॉक कर दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके। फिलहाल गाइस हम लोगों ने इसको चेक करने के लिए बाहर भेजा भाई इसके साथ क्या कुछ हो गया, बट हाँ मैंने इसको होश में आने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बट ब्लड ना कुछ ज्यादा बह रहा है। फिलहाल गाइस रुको यार, इतना बड़ा जगह है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हमें मिल ही जाएगा जिससे भाई हम लोग ट्रेवर के लिए भाई कुछ ना कुछ कर सकते हैं, पर ये कैसे करें कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। चलो गाइस ठीक है भाई, इस वक्त तो ट्रेवर को ना अभी ना भाई थोड़ा सा ना होश आया है, मतलब यार देखो अभी ना बंदी की हालत ना बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, लेकिन अभी ये बोल रहा है मैं ठीक हूँ। और हाँ इसको ना ज़्यादा बुलेट नहीं लगी, एक दो लगी है पैर पर, और जिसके कारण ये बंदा चल फिर नहीं पा रहा। बट यार देखो अपने को बचाने के लिए ना भाई हर बंदे ने क्या कुछ नहीं किया। तो गाइस देखो अब ना मेरे को आ रहा है गुस्सा, और अब मैं जा रहा हूँ सीधा बाहर ना इनकी बैंड बजाने के लिए। और एक सेकेंड भाई डर गया यार कसम से, क्या था यार, यार कुछ ना कुछ तो करंट वरेंट लगा। बट कोई ना, फटाफट हम लोग यहाँ से बाहर चलते हैं। भाई देखो ये जो जगह है ना भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और जहाँ तक मुझे याद है ना गाइस यहाँ से मैं शायद से अंदर आया था। बट यार देखो भाई ना मुझे रिस्क तो बहुत ज़्यादा भाई, कहीं भी जाओ। एक सेकेंड ये कौन सी जगह है, ओ वेट अबे खुल जा भाई, अबे यार इसको ना लॉक कर रखा है से ड्राइवर ने। एक सेकेंड चलो गाइस ठीक है, एक हाथ फायर किया मैंने और यहाँ से बाहर तो निकल चुका हूँ। बट यार मुझे ऐसा लगता है ना कि बाहर भाई बहुत सारे बंदे बंदे होंगे, तभी तो भाई ट्रेवर की हालत कर दी उन लोगों ने। बट अभी ना भाई हमें यहाँ से एक बार ना बाहर की तरफ निकल करके देख लेनी चाहिए। और एक सेकेंड भाई इन लोगों ने साउंड सुनकर ना सीधा यहाँ पर आ गए, और भाई यहाँ पर जो BMW खड़े थे ना जो हैकर और वो ड्रग माफिया का भाई, वो दोनों लेकर के यहाँ से निकल चुके हैं। आ जाओ बेटे तुम दोनों का ना इंतजार था, ओ वेट चुपता है साला तेरी भैंस की टांग, निकल यहाँ से। ओ भाई यार क्या मार रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ। भाई साहब एक को तो मैंने मारा है, पर भाई देखो अभी ना भाई बाहर जाना बहुत ज्यादा रिस्क है यार। तो यार गाइस इस वक्त मुझे कौन बचाएगा ये तो मुझे नहीं पता, बट एक सेकंड तेरी ऐसे कैसे, निकल निकल यहाँ से। यार गाइस इस वक्त मुझे फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा, और अभी ना फटाफट जिग जैग करते हुए यहाँ से निकलते। भाई 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 कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, लेट्स गो। यहाँ से गाइस मैं इस साइड की तरफ आ चुका हूँ। भाई एक सेकंड गाइस, इधर की तरफ इतने फायर क्यों चल रहे हैं, मतलब गोलियां क्यों चल रही है भाई, कुछ तो गड़बड़ बात है। भाई वेट एक सेकंड, भाई ये ब्लैक कलर के कुछ बंदों को तो मैंने मारा, और भाई ये अभी तो डंकर बॉस की सिक्योरिटी है। तेरी प्यास की टांग भाई, क्या सही टाइम पे भाई आए ये लोग। रुको गाइस अभी ना भाई अपने डंकन बॉस के गैंग के साथ ना सारे सिक्योरिटी के साथ ना मिलकर हम लोग इनको खत्म करते हैं। तेरी ऐसे कैसे सारा अंदर जाकर ना ये लोग पूरा बम बम फोड़ रहे थे, और भाई अपने को बहुत डराया। लेकिन अभी ना भाई पता नहीं ट्रेवर ने हो सकता है पहले डंकन बॉस को कॉल वॉल कर दिया होगा, हाँ भाई इसलिए ये लोग ना बिल्कुल सही टाइम पे आकर ना अपने को भाई बचा रहे हैं। बट अभी ना भाई रुको 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 रुको, इस साइड की तरफ कोई तो है जो कि फायर कर रहा है। तेरी प्यास की टांग अब कहाँ भाग रहा है साला, जब मैं अकेला था तो भाई बहुत हीरो बन रहे थे ये लोग। चलो गाइस अभी ना अपने बंदों ने क्या रख रख के बचाया है, और कहाँ भाग रहे भाई, रुको रुको उनके पीछे चलता हूँ भाई। अगर मैं इनके साथ रहूँगा ना गाइस तो मेरे को कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। भाई ये लोग ना बहुत खतरनाक है भाई, देखो इतने सारे बंदों को भाई लिटा दिया, इतनी खतरनाक आर्मर पहन के आए, और भाई किसी ने ना इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया अभी तक। एक सेकेंड लेट्स गो, आ जा बेटे आ जा, तेरी ऐसी की तैसी। चलो गाइस इनको तो मैंने इसको तो मैंने ख़त्म कर दिया, बट एक सेकेंड ये गेट खुल जा साले, लेट्स गो गाइस अभी ना फटाफट। ओके आई थिंक ना यहाँ से काफ़ी सारे बंदों के लोगों ने ऑलरेडी डाउन कर दिया है, तो अभी ना एक बार ना यहाँ पर जंप करके देखते, क्योंकि इस साइड जब मैं निकला था ना तो बहुत से बंदे थे और वो लोग मेरे को मार रहे थे। बट अभी ना गाइस ऐसा है ना यहाँ पर सारे बंदे खत्म हो चुके हैं। ओके गाइस चलो ठीक है भाई, इस वक्त डंकन बॉस का ही मेरे को ना कॉल आया था, और भाई अभी ना वो मेरे को बोल रहा है टेंशन मत ले माइकल, मैंने अपने बंदे भेज दिया और मुझे पता चल गया था ट्रेवर ने कॉल कर दिया था। और एक सेकंड भाई फटाफट ना यहाँ पर जो डंकन बॉस का एक सिक्योरिटी इंचार्ज है ना भाई वो मेरे पास आ चुका, तो इससे भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। वैसे क्या मतलब सही टाइम पे भाई डंकन बॉस हेल्प करी यार, मतलब उससे दोस्ती करने का ना भाई अपना बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। वैसे चलो गाइस ठीक है, अभी ना भाई हम लोग ना बिल्कुल सेफ है, बाकी ना अभी ट्रेवर को और इसके साथ साथ ना लेस्टर को भी ना हॉस्पिटल आई थिंक लेकर के जाना पड़ेगा। ट्रेवर को तो भाई लेकर जाना ही पड़ेगा, उसको ना एक दो बुलेट लगी है, बाकी भाई यहाँ पर सारे बंदे बंदे यहाँ पर खड़े आराम से। चलो गाइस
अपन लोग बिल्कुल सेफ है अब। वैसे गाइस यार एक सेकंड भाई, इधर ना कुछ फाइट वाइट से चल रही है भाई, साउंड सुनाई दे रहा है मेरे को भाई। मुझे लगता है ना दो चार बंदे ना छुपे हुए थे ना, उन्हीं को भाई ये लोग ना ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। यार ये लोग ना कुछ ज्यादा खुन्नस में आ चुके यार, मतलब इनको ना डगन ने बोला होगा अगर माइकल को कुछ हुआ ना तो तुम लोग सारे मरोगे। तो ये लोग ना भाई देख लो कहां कहां करके मार रहे सबको। अबे बिल्डिंग के ऊपर ये लोग छुपे पड़े थे, लेट्स गो। इनके तो मैंने बैंड बजा दी इनके साथ मिलकर के, पर अपने बंदे भाई क्या पावरफुल है भाई, मतलब देख लो सारे मेरे से पहले आकर के इनको ढूंढ ढूंढ के मार रहे। लेट्स गो, ये गया ये गया ये गया, तेरी भैंस की डंक, निकल जाए यहाँ से। चलो भाई सब ठीक है, अभी ना दो चार को तो मैंने भी इनके साथ मिलकर के डाउन किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना यहाँ पर और भी थोड़े बहुत बंदे बंदे हैं भाई। रुको कहाँ से फायर कर रहा है, इस साइड की तरफ। वेट वेट, ओ भाई साहब तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो बेटे, आज ना इतने बुरे मौत मरोगे ना मेरे बंदों के हाथों। ये लोग भी भाई रोने वाले हैं ऊपर जा करके। चलो ठीक है ये पेट्रोल पर, ओके तो चलो गाइस ठीक है। अभी ना भाई अपने बंदों ने ना लगभग सभी को खत्म कर दिया, फटाफट नीचे उतरते हैं और ये ले भाई रुको यार गाइस, फटाफट इनको खत्म करते हैं। चलो ये गया, एक यहाँ पर है, ओके तो ये भी खत्म हो चुका है भाई। रुको रुको तेरी ऐसे कैसे निकल यहाँ से भाई, यहाँ पर ना आर्मर वार्मर पहन के आए थे कितनी खतरनाक, बट हम लोगों ने क्या किया ना भाई सभी के ना बैंड बजा दिए भाई, मजा आ गया कसम से। बाकी अभी ना थोड़े बहुत इनमें जान वान बची है ना, कोई तड़प रहा है ना तो उनको ये लोग ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। और ये ले बेटे तू हेडशॉट खा ले पहले, पता चला भाई एक्टिंग कर रहा हूँ मरने का, तो ये सब मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बाकी फटाफट ना गाइस एक काम करते हैं, ट्रेवर को फटाफट ना हॉस्पिटल लेकर के हमें जाना पड़ेगा। अब भाई उसकी हालत इतनी खराब हो रखी है ना भाई, उसको जल्दी से यहाँ से हमें लेकर के जाना पड़ेगा। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना भाई हम दोनों यहाँ पर छुपे हुए थे, और भाई साहब देखो अभी ना यहाँ पर ना कुछ फायरिंग के साउंड आई हो, तो ये बंदा ना भाई साहब छुप गया है क्योंकि इसको ना बहुत ब्लेड लग चुकी है ना, तो ये भी भाई डर रहा होगा, मरना नहीं चाहता मैं ये सोच करके। तो चलो ठीक है अभी हम लोग ही जाकर खत्म कर देते हैं। और यहाँ पर भाई पब्लिक को कौन डरा रहा है भाई, वैसे अपने बंदे हैं काफी खतरनाक, अकेला ना भाई घुस घुस कर ना सारे बंदे जो छुपे हुए थे ना उनको ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। और इधर ओ भाई साहब एक्टिंग करता है, सांस ही एक्टिंग कर रहा था, बट चलो ठीक है। यहाँ पर अपना बंदा आकर के भाई इनको ना ऐसे रख रख के बचाए ना, और यहाँ पर भाई ये लोग ना दौड़ दौड़ के ना ऐसे खतरनाक मार रहे ना यार, क्या ही बोलूं मैं। फिलहाल सभी को भाई लाश यहाँ पर बिछा दिया, वाह यार क्या मस्त बंद हो यार तुम लोग। ओके गाइस चलो ठीक है भाई, अभी ना ये लोग हमारे साथ है ना तो भाई हमें ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ अभी इसके साथ साथ ना जो ट्रेवर एंड लेस्टर है ना भाई, उनको भी जाकर देखते हैं उनकी हालत कैसी है भाई। देखो लेस्टर को तो कुछ खास हुआ नहीं है भाई, बस उसको ना कुछ इंजेक्शन वगैरह इन लोगों ने दिया है ना, तो बस उसी के कारण हो सकता है ना कि यार लेस्टर सही से भाई मतलब होश में नहीं है। बाकी ट्रेवर को भाई दो चार बुलेट लगी है तो उसको हो सकता है हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़े। तो अभी फटाफट से काम करते हैं, हम लोग अंदर चलते हैं। और बाकी अपने आसपास ना सारे बंदे बंदे फैल चुके हैं चारों तरफ, और चारों तरफ फैलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है ताकि भाई ना कहीं पर बंदे छुपे ना हो, और अगर छुपे भी हो ना तो लोग ढूंढ कर इनके बैंड बजा सके। लेट्स गो फटाफट अभी हम लोग वापस से अंदर चलते हैं। और भाई सब अच्छा क्या कि ट्रेवर ने भाई कम से कम कॉल करके ना भाई डगन बस को कॉल करके ना सिक्योरिटी मंगा लिया, वरना भाई अपने साथ आज क्या होता भाई ये तो भाई आप लोग भी समझ सकते हो भाई, मतलब कोई अपने को बचाने के लिए आता नहीं। फटाफट हम लोग चलो भाई सब ठीक है, ट्रेवर तो यहीं पर पड़ा हुआ है और अभी तक ना भाई इसकी हालत ना खराब ही है भाई। बाहर जाकर ना भाई बहुत सारे बंदों के साथ एक साथ लड़ने के चक्कर में ना इसको भाई कुछ ज़्यादा हालत बुरा कर दे इसको, मतलब इसका। हालांकि दो चार ने मेरे को लग रहा है इसको ना भाई बहुत ज़्यादा बुलेट लगी है, और भाई बंदा आर्मर वार्मर कुछ पहन के आया नहीं आया था। चलो भैया ठीक है ये सब तो ठीक है, लेकिन अपने साथ ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, और वो प्रॉब्लम ये है ना गाइस कि जो ड्रग माफिया और वो हैकर उसके साथ जो लड़की थे ना वो यहाँ से भाई निकल गए। चलो कोई बात नहीं फटाफट ना नीचे जाकर देखते हैं। ओ वेट लेस्टर यहाँ पर आराम से बैठा हुआ है, और इस वक्त तक मुझे ऐसा लगता है इसको होश वोश आ चुका है थोड़ा सा। तो यार गाइस इस वक्त लेस्टर ना भाई कुछ ज्यादा उदास है भाई अपने 5,000 मिलियन डॉलर को लेकर के, जो कि भाई इन लोगों ने इसको किडनैप करके हैक करके चुरा कर ले गया। अब भाई देखो यहाँ पर जो पैसे वैसे पड़े हैं ना भाई ये तो बहुत कम पैसे भाई, मतलब यहाँ पर मुश्किल से मुश्किल ना 50 मिलियन डॉलर के अराउंड होगा या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। पर यार ये तो भाई कुछ भी नहीं है भाई, पूरे 5,000 मिलियन डॉलर अपना चोरी हो गया, जो कि गाइस हम लोगों ने चोरी किया था और इसके साथ साथ हम लोगों ने इलीगल बिजनेस से कमाया था। यार देखो वो पैसे तो मेरे हर हाल में लाना है मेरे को, क्योंकि भाई देखो लेस्टर भी काफी उदास है और भाई काफी गुस्से में है। ओके चलो गाइस ठीक है, लेस्टर मुझे बोल रहा है कि यार देखो पैसे तो गए लेकिन हमें पैसों को वापस लाने के लिए हमें वापस से ना उन दोनों को पकड़ना पड़ेगा। उन दोनों को ने तो कम से कम ना उस लड़की को जो कि भाई सारी हैकिंग का काम करी थी, मतलब यार वो जो लड़की थी ना भाई वो एक हैकर थी और इतनी बड़ी कांड। एक सेकेंड ट्रेवर भाई मर वर रहा क्या, जो को चिल्ला रहा इतना ज्यादा, अबे भाई क्या कर रहा है ये बंदा, पागल वागल है क्या भाई, मेरे को डराई थी अब कसम से भाई। बंदा अभी देखो इतना पड़ा हुआ था जमीन पर और अभी उठकर सीधा ना भाई गुस्से में आकर के पुशअप ही लगाने लगा। चलो भैया ठीक है यार भाई, वैसे हाँ कुछ भी भाई ट्रेवर ना है काफ़ी स्ट्रॉन्ग यार, इसका भी गुस्सा आ रहा होगा भाई जो इन लोगों ने मारा। हालांकि मैंने सबका बदला तो ले लिया, सबका बदला लिया है भाई माइकल ने,
फिलहाल ना फटाफट लेस्टर से पूछते कि आगे हमें क्या करना पड़ेगा भाई, उनको पकड़ना तो भाई बहुत मुश्किल है, वो लोग यहाँ से पता नहीं कहाँ निकल गए होंगे। ओके तो चलो भाई ठीक है, अभी ना लेस्टर भी ठीक ठाक है, ट्रेवर भी भाई लगभग ठीक ठाक है, लेकिन उसके हालत थोड़ी सी खराब है, उसको हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ेगा। लेकिन भाई अभी ना डगन बॉस के सारे सिक्योरिटी गार्ड आ रखे ना, तो भाई हमें ना कोई दिक्कत वाली बात, ओ ओ ओ सारे अंदर आ चुके हैं। चलो भैया ठीक है, ट्रेवर ने इनको बुला लिया होगा, बाकी देखो यार अभी ना लेस्टर मुझे, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अब यार चलो कोई ना भाई वापस से लग चुका है। और भाई देखो अभी ना लेस्टर ने मुझे एक काम दिया है भाई, कुछ भी करके ना मुझे उन दोनों को पकड़ना पड़ेगा। अब भाई देखो इतने सारे पैसे चुरा करके हैक करके भाई ट्रांसफर करके लोग कहाँ जाएंगे, दूसरी कंट्री के लिए निकलेंगे। तो गाइस अभी ना मुझे बोल रहा है लेस्टर फटाफट से काम करो, जितना जल्दी हो सके ना एयरपोर्ट की तरफ भागो। बाकी एक सेकंड भाई, अपने सिक्योरिटी वाले बंदे भाई, तो चलो ठीक है ये ना इधर ही इधर घूम रहे हैं ताकि गाइस कोई भी ना आ करके हम पे हमला वमला ना कर सके। बाकी रुको यार, अपना मस्टैंग भी किसी ने भाई, वो लोग अपना मस्टैंग लेके भाग गए यार, उनको कौन सी गाली दो यार कुछ। ओके 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 भाई अपना मस्टैंग यहाँ पर है, वाह यार चलो भाई ठीक है फटाफट ना। अबे कौन चिल्ला रही इतना खतरनाक, फैंस की डांग। चलो गाइस फटाफट ना मस्टैंग के अंदर मैं बैठ चुका हूँ। और गाइस देखो अभी ना लेस्टर मुझे बोल रहा है फटाफट से काम करो, जल्दी से ना एयरपोर्ट पहुंचो, क्योंकि देखो वो लोग ना भाई यहाँ से निकले एक से मतलब आधे से एक घंटे पहले। तो भाई हो सकता है ना कि वो लोग अभी तक भाई एयरपोर्ट पर होंगे या फिर कुछ ना कुछ। तो गाइस अगर हम लोग उसका पीछा करेंगे ना तो हो सकता है गाइस हम लोग ने उनको पकड़ सकते हैं एयरपोर्ट पर जा करके, और हो सकता है वो लोग यहाँ से दूसरी कंट्री के लिए निकल भी चुके होंगे। लेकिन कुछ भी हो गाइस फटाफट हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और अभी ना गाइस क्या एक खतरनाक वाले हमला करके ना भाई डगन बॉस ने ना सारे इनके आर्मी को ख़त्म किया है, मज़ा आ गया। बट एक सेकंड अपनी मस्टैंग, ओ भाई यार ड्रिफ्ट मारने के चक्कर में ना यार कुछ गलत यार मेरे को मारना नहीं आ रहा। अभी ना गाइस फटाफट हम लोग चलते हैं एयरपोर्ट पर, भाई जाकर देखते हैं यार ये लोग यहाँ से लॉस सेंटोस छोड़ करके भागने के लिए कुछ ना कुछ कर तो नहीं रहा भाई, इनको तो पकड़ना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। चलो गाइस ये ठीक है, अभी ना भाई मस्टैंग को पूरे फुल स्पीड में भगाता ना मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट पर चेक करने के लिए। अब भाई देखो यहाँ पर वो लोग जा चुके या फिर है ये तो मुझे नहीं पता। अब भाई यार टूटी के ऊपर यार, चलो गाइस कोई ना अपना जो मस्टैंग है ना भाई बहुत पावरफुल है, बहुत मजबूत भी है, तो यहाँ से हम लोग जंप करा देते हैं। अबे भाई साहब यार गलती से ना ठुक भी गया। चलो कोई ना गाइस अभी ना भाई हमें कुछ भी करके ना यहाँ पर ना भाई जो BMW की उस लड़की के पास जो ग्रीन कलर की कार थी ना वो हमें चेक करनी है भाई, अगर वो यहाँ पर आई थी ना, आई होगी ना, तो पक्का वो गाड़ी हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। बट या तो ये भी हो सकता है कि वो लोग फ्लाइट पकड़कर यहाँ से निकल चुके होंगे। लेकिन नहीं यार, तो यार गाइस देखो अभी मैं एयरपोर्ट के अंदर तो आ चुका हूँ, लेकिन आसपास में गाइस मुझे ना कहीं भी ना उनकी वो गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है। काम करते हैंगर की तरफ चलते हैं। और भाई देखो यहाँ पर ना कोई फ्लाइट वगैरह ना अभी फिलहाल में टेक ऑफ भी नहीं हुआ है, तो यार हो सकते वो लोग जहाँ ना करना सैंडिसोस वाले एयरपोर्ट पर गए होंगे। वैसे भी यार मुझे ना वहाँ पर पहले जाकर चेक करनी चाहिए थी, यहाँ पर तो भाई मेरे को ना ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। भाई हैंगर की तरफ ना एक लास्ट हैंगर बचा हुआ है, एक काम करते हैं ना गाइस फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और एक बार ना गाइस जाकर उसको भी चेक कर लेते हैं, वरना भाई बाद में हो सकता है भाई वहाँ पर भी ना मिले ना तो हमें सोचना पड़े। और भाई यहाँ पर लिमोजिन और कुछ गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी है, बट यहाँ पर हैंगर के अंदर कुछ वर्क कर रहे हैं भाई, यहाँ पर भी कोई नहीं है। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पर आने का ना भाई वैसा कोई फायदा तो नहीं हुआ भाई, क्योंकि देखो वो जो BMW वाले उनके पास जो ग्रीन कलर की कार थी ना वो मुझे आसपास कहीं भी दिखी नहीं है। मतलब वो लोग ना यहाँ नहीं आकर ना सीधा गए होंगे सैंडिसोस वाले एयरपोर्ट पर। अब भाई देखो अगर वो लोग कंट्री छोड़कर भाग रहे होंगे ना तो पक्का वहीं गए होंगे, या तो भाई कहीं ना कहीं लॉस सेंटोस में छुपे होंगे। लेकिन अभी ना भाई लेस्टर ने मुझे बोला कि वो लोग ना भाई सीधा यहाँ से निकलेंगे, वो लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा क्राइम किया है लॉस सेंटोस में, तो वो लोग जाएंगे सीधा हो सकता है दूसरी कंट्री के लिए, तो हमें भाई जल्दी से जाकर चेक करनी चाहिए। बाकी यार रुको मैं यहाँ पर आकर के फंस गया यार, कहाँ से निकलूं मैं बाहर। ओके ओके इस साइड की तरफ ना एक रास्ता होती है, तो यहाँ से हम लोग जा सकते हैं आई थिंक। चलो गाइस ठीक है, इस वक्त ट्रेवर को मैंने एक बार कॉल करके पूछा, तो भाई अभी ना वो मेरे को बोल रहे ना यार देखो वो जब बाहर निकला था ना लड़ाई करने के लिए तो वो लोग दोनों के दोनों वहीं थे अपने आर्मी के साथ बातचीत कर रहे थे, भाई फिर उस पर हमला कर दिया, उसके बाद लेस्टर सीधा अंदर आकर के भाई बेहोश ही पड़ गया था। तो देखो यार उस टाइम पर ना वो लोग वहाँ पर थे, इसका मतलब ये है ना कि अभी ना वो लोग लॉस सैंटोस में होंगे या तो सैंडिसोस तरफ होंगे। तो फटाफट से कैसे काम करते हैं हम लोग ना यहाँ से चुपचाप निकलते हैं सैंडिसोस एयरपोर्ट पर, भाई वहीं पर जाकर एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता भाई हम लोग ना वहाँ पर क्या पता भाई वो लोग ना वहीं से निकलने वाले हो, और भाई हो सकता है हमारे पहुँचने से पहले ना वो लोग वहाँ से निकल भी जाए। यार मुझे कुछ भी करके उनको पकड़ना पड़ेगा यार, वरना कैसे अपने पूरे 5,000 मिलियन डॉलर का नुकसान हो जाएगा, और इसके साथ साथ भाई लिस्ट भी पूरी तरीके से टूट जाएगा। मतलब यार इतना सारा पैसा जब गायब होगा अचानक से ना भाई, तो यार बंदा भी परेशान होगा प्लस रोएगा अलग से। ठीक है फटाफट हम लोग पहुंचते हैं सैंडिसोस के लिए। चलो गाइस ठीक है भाई, इस वक्त तक पूरे फुल स्पीड में ना मस्टैंग को लेकर मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ दूसरे वाले जगह पर। अब भाई देखो इस वक्त तक गाइस मुझे ना 100% डाउट था कि यार ये लोग ना हो सकता है यहीं कहीं पर होंगे, बट यार मुझे ना ये भी कोई कंफर्म नहीं है। बट एक सेकंड गाइस, यहाँ पर ना मेरे को बहुत बड़ा सा ना जेट नजर आ रहा है, और भाई इनकी गाड़ी और यहाँ पर बंदे तेरी तो, ये लोग गाइस इधर है भाई छत के ऊपर, देखो कितने सारे बंदे सिक्योरिटी गार्ड है भाई। रुको एक बार ना मैं ना यहाँ पर कंफर्म करनी चाहिए भाई, देखो इनको ना अपनी मस्टैंग के बारे में पता नहीं है, तो हो सकता है ना गाइस कि ये लोग भाई अपने को देखकर पहचाने ना,
बाकी चलो ठीक है भाई, अभी ना मैं यहाँ पर आ चुका हूँ फटाफट। चलो गाइस ठीक है, अभी ना मुझे एक बार ना यहाँ से देख लेनी चाहिए कि यहाँ पर भाई क्या कुछ चल रहा है। ओके भाई, यहाँ पर छत के ऊपर ना 1 2 3 सिक्योरिटी गार्ड है, और भाई वही सिक्योरिटी गार्ड है ब्लैक कलर वाले आर्मी, जो कि भाई वहाँ पर मैंने इनकी बैंड बजाई। अब भाई देखो यहाँ पर ना मैं कुछ भी हरकतें नहीं चाहता, जल्दी से कैसे काम करते हैं, मस्त टाइम में बैठते हैं और हम लोग ना कोई ऐसी जगह पर जाकर देखते हैं ना, जहाँ से कैसे मैं ना सब कुछ आराम से दिख सके। अब यार उसके बाद ना हम लोग इजीली क्या करेंगे ना, उसके बाद हम लोग ना इजीली पता कर सकते हैं कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर भाई क्या कुछ कर रहे हैं, और भाई इतना बड़ा प्लेन में ये लोग क्या कुछ लोड कर रहे हैं। फिलहाल भाई बहुत सारे बंदे आ रखे हैं और रिस्क भाई अपने को ना बहुत ज़्यादा है। रुको यार, यहाँ पर ना एक बढ़िया सी जगह है, और आई थिंक ना यहाँ से गए तो हम लोग ना पूरा इसका मतलब व्यू पूरा पूरा व्यू देख सकते हैं। तो गाड़ी को हम लोग यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। चलो भाई सब ठीक है, अभी ना भाई ये लोग ना मेरे को बस छत के ऊपर जो बंदे हैं ना वो देख ना पाए, और फटाफट हम लोग ऊपर चढ़ते हैं। भाई देखो अभी ना मेरे पास ना स्नाइपर तो नहीं है, बट बैनिकुलर से हम लोग ना सब कुछ आराम से देख सकते हैं, और आई थिंक ना ये जगह बिल्कुल अब परफेक्ट रहेगा। भाई क्या मस्त जगह यार। चलो ठीक है, अभी ना गाइस एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें चल रहा है। ऑल राइट गाइस, तो अभी आप लोग देख सकते हो मैं निकाल चुका हूँ बैनिकुलर्स, बाकी यार बहुत ज़्यादा दूर खड़ा हूँ, बट फिर भी देखने की कोशिश करते हैं। अब भाई देखो यहाँ पर मेरे को एक ग्रीन कपड़े के बंदे हैं, और एक ब्लैक, और एक पता नहीं कौन से कलर है ये, बट हाँ गाइस देखो अभी ना इनके पास ना बहुत तगड़े तगड़े वेपन्स है। भाई देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ है, मतलब इनके पास होगा स्नाइपर। यार भाई इनसे थोड़ा बच के रहना है। भाई अच्छा क्या, एक सेकेंड, भाई ये तो भाई वही हैकर लेडी है ना जो कि लेस्टर को पकड़ करके किडनैप करके उसके अकाउंट खाली किया है। भाई साहब इसको ना गाइस किसी भी हाल में ना हमें जिंदा रखना है। भाई कितना खतरनाक है यार, वैसे देखो ये ना मेरे को देख ना ले अपने हाथ में। एक सेकेंड गाइस, ये कहीं नहीं, मैं ना भाई काफ़ी दूर, भाई नॉर्मल आंखों से देख पाना ना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो अभी ना ये कट्टा ले करके ना अपने बंदों के पास जा रही है फिलहाल। एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर इसके सिक्योरिटी वाले देखो कितने सारे हैं, और यहाँ पर एक भाई इतना बड़ा जेट का भी जुगाड़ कर लिया लोगों ने। बाकी भाई यहाँ पर कुछ बॉक्स रखे हुए, भाई इन बॉक्स में क्या है, और इन बॉक्स का ना हो सकता है भाई प्लेन के अंदर ये लोग डाल रहे होंगे। बाकी एक सेकेंड, ये ना जा करके किसी को कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर रही है। भाई साहब यार क्या खतरनाक बंदे यार ये तो। चलो कोई ना, अभी ना इनको बातचीत करने देते हैं, और यहाँ पर ना जो स्नाइपर वाले बंदे ना उन पे मेरे को फोकस करना है, क्योंकि वो लोग ना भाई स्नाइपर से हो सके तो मेरे हो सकता है मेरे को देख वेख ले। बाकी चलो ठीक है, ये इसको समझा कर, अब एक सेकेंड का इसको ना डाउट वाउट हुआ क्या, मुझे ना एक बार ना यहाँ पर छुप जाने चाहिए। चलो भैया ठीक है, हो सकता है उन लोगों ने देखा नहीं होगा, बट अभी ना भाई फटाफट दोबारा से बैनिकुलर्स निकालते हैं। चलो भाई सब ठीक है, अभी ना फटाफट ना एक और बार देखते कि आखिरकार ये क्या कर रही है। भाई ये ना यहाँ से निकल लेनी चाहिए। भाई देखो अभी ना ड्रग माफिया जो है ना वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो यहीं कहीं पर हो सकता है। ओ वेट, ये बॉक्स उठा करके, अच्छा गैस देखो अभी अपने पास बहुत टाइम है भाई, अभी देखो ये प्लेन के अंदर जा करके एक एक बॉक्स को रखेगी, और अपने सिक्योरिटी गार्ड से भी रखवाएंगे ना, तो कम से कम इनको 5 मिनट तो लगने वाला है, क्योंकि भाई काफ़ी बड़े बड़े बॉक्स है, छोटे बॉक्स से खुद रख रही है। तो अभी भाई फटाफट काम करते हैं, जल्दी से नीचे चलते हैं और इनकी बैंड बजा देते हैं, इससे पहले भाई ये लोग ना यहाँ से निकल जाए। भाई यही करना पड़ेगा, अपने पास ना कोई और रास्ता नहीं है, लेट्स गो। फटाफट ने काम करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और इनको ना भाई कुचले क्या, नहीं, कुचलने के चक्कर में ना अपनी ऐसी तैसी हो जाएगी। एक काम करते गाइस, फ्रैंकलिन को ना कॉल करके बुलाते हैं, बट नहीं, फ्रैंकलिन को कॉल करके बुलाने के चक्कर में ना भाई बहुत लेट हो जाएगा, बट फिर भी एक बार ना उसको हम लोग कॉल कर देते हैं। चलो भाई सब ठीक है, फ्रैंकलिन को मैंने कॉल कर दिया। बाकी देखो वो ना भाई बंदा ना मतलब रास्ते में लिस्ट ऑलरेडी उसको ना यहाँ पर भेज रखा है। वाह यार ये भी बढ़िया है, तो वो मेरे को बोला ना कॉल किया तो भाई वो बोल रहा है कि मैं आ ही रहा हूँ भाई, टेंशन मत ले। चलो भैया ठीक है, फटाफट हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। भाई देखो अभी ना स्नाइपर को सबसे पहले ख़त्म करना पड़ेगा, स्नाइपर जिनके पास है, और इनको ख़त्म करना भाई इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर ना सबका ध्यान ना इधर उधर की तरफ है, और आई थिंक ना ये लोग मेरे को यहाँ से देख ना ले। बस चुपके चुपके से हम लोग यहाँ पर चलते हैं। ऑल राइट गाइज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से गए हम लोग ना यहाँ से ऊपर चढ़ते एक बार। अबे नहीं यार, यहाँ से ना ऊपर चढ़ना मुश्किल है लगता है, बट आई थिंक हम लोग ना यहाँ से ऊपर चढ़ सकते हैं। चलो गाइज ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ना कोई मेरे को देख नहीं रहा है, सबका ध्यान इधर उधर है। और भाई एक सेकंड, ये जो लेडी फिर को ये यहाँ पर आ रखी है, बट चलो मैं बच गया, मेरे को देख नहीं सकी। फटाफट गाइस यहाँ से ऊपर चलते हैं, और अभी ना भाई सबका ध्यान ना इधर उधर है, क्या गुंडे बनेंगे भाई ये लोग। बाकी नीचे एक बार हैंगर में देख लूँ कहीं ड्रग माफिया यहाँ पर ना हो, और वो देखो भाई वो लेडी किधर भाई गनमन लेकर के घूम रही है। ओके गाइस, अभी ना चुपके चुपके हम लोग ना यहाँ से नीचे चलते हैं, मतलब सॉरी इनके सामने चलते हैं, और जा कर ना एक हाथ रख के बजाते हैं। बाकी मैं एक बार ध्यान से देख लूँ वो लेडी यहाँ पर है तो नहीं ना, अगर कोई देख लेना बहुत बड़ा सीन हो जाएगा। फटाफट एक काम करते हैं, इसके ना हेड पे रख के बजाते हैं। चलो ये गया, तेरी भैंस के डंग, तू भी निकल यहाँ से। भाई कितने खतरनाक वेपन थे इनके पास, भाई
भाई बंदे कुछ ज्यादा इधर है। और गाइस देखो अभी ना यहाँ पर आकर के ओ भाई किसी ने आरपीजी बजाया। और भाई आरपीजी कौन बजा सकता है यार, एक सेकंड गाइस। भाई भाई कहीं ना कहीं से कोई तो बजा रहा है भाई। अब यार देखो मुझे ना यहाँ पर बचना है, खुद को ही बचाना है और भाई इनको मारना भी है। एक सेकंड कुछ ज्यादा बुरा हो रहा है, मैं नीचे ना गिर जाऊँ वरना और बुरा सीन हो जाएगा। लेट्स गो गाइस। एक सेकंड, ये रहा एक बंदा, इसको मैंने खत्म कर दिया है। और अभी ना भाई दो चार बंदे ऊपर थे उनको ही मैंने खत्म कर दिया है। भाई वो रहा BMW और भाई इसी के अंदर हो सकता है ड्रग माफिया हो। एक सेकंड फायर करके देखो। नहीं नहीं यहाँ पर कोई बैठा नहीं है और मैं नहीं चाहता वो लेडी यहाँ पर बैठ के भागे, तो मैं ना भाई यहीं पर रहने वाला। ओ भाई BMW ब्लास्ट हो गया। चलो कोई ना भाई, दो चार मैंने रख के वजह हो सकता है भाई ऐसी जगह पर लगा होगा ना, जो कि भाई सीधा ब्लास्ट कर दिया। एक सेकंड ये छुपा पड़ा है, लेट्स गो ये खत्म। वैसे गाजर एक सेकंड भाई, वो लोग ना दूर से ना खड़ा होकर के स्नाइपर बजाने की कोशिश कर रहे। तेरी भैंस के डांग, निकल निकल यहाँ से। भाई वो लोग ना यहाँ से भाग रहे हैं, कोई बात नहीं बेटे मैं ना नज़दीक ही आ रहा हूँ। यहाँ से फटाफट एक जंप मारते हैं और वो लेडी किधर गई। भाई मुझे लगता है ना हैंगर के अंदर पक्का छुपी होगी। भाई ये मरेगी आज मेरे हाथ से। रुको यहाँ पर तो नहीं है भाई, रुको 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 रुको, कुछ भी करके ना गाइस इनको पहले हम लोग ख़त्म करते हैं। और यहाँ पर वेपन देखो यार, इनकी गाड़ी में कैसी फेरी ऐसे के तैसे, निकल साले। लेट्स गो ये ख़त्म। और यहाँ पर भाई देखो भाई बंदे ना कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं भाई मेरे पास। और कौन कौन से वेपन आए इनके यहाँ? ओ भाई ये रहा ये लेडी, मेरी भैंस के टांग कैसी खतरनाक वेपन चला रही है भाई, भग गई। कोई ना गाइस कभी ना कभी तो हाथ आएगी ना, तो यहाँ पर तो नहीं है यहाँ से। एक सेकेंड, निकल साले यहाँ से। भाई यहाँ पर छुप छुप के कैसे फायर कर रहा है ये बंदा। लेट्स गो गाइस, यहाँ पर ना काफ़ी सारे बंदों को मैंने डाउन कर दिया। ओ तेरी, अबे ये कौन था भाई? ये पक्का ड्रग माफिया है यार। गाइस देखो अब ना भाई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, फटाफट ना इस वाले गाड़ी के अंदर बैठते। ओ भाई टक्कर बचा दिया साले ने। रुको 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 भाई, बच के बच के। लेट्स गो, एक सेकेंड भाई, बहुत बड़ा सीन हो रहा है गाइस, बहुत बुरा सीन हो रहा है। फटाफट मुझे यहाँ से निकलना चाहिए जितना जल्दी हो सके। एक सेकंड भाई, फटाफट ना इनको ख़त्म करते हैं। तेरी ऐसी की तैसी भाई, यहाँ पर ना दो चार टायर वायर फोड़ा मैंने। और एक सेकंड भाई भाई, चलो गाइस चलो गाइस, ठीक है भाई अभी ना ये यहाँ से निकल चुका है भाई, अभी ना मेरे को कुचल देगा भाई ये। रुको 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 रुको, निकल साले। लेट्स गो ये ख़त्म। भाई जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठते भाई, बच गए वरना ये दोबारा से भी टक्कर मारता आकर के। भाई रुको 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 रुको, इसको ख़त्म करना पड़ेगा फटाफट से। काम करते गाइस। ओ भाई साहब ये कहाँ निकल रहा है भाई, इतने सारे बॉक्स वॉक्स को लेकर के। ये एक सेकंड, ये ड्रग माफिया या फिर वो लड़की है? भाई वो लड़की है बट मैंने बहुत गंदी वाली टक्कर मारी है। और गाइस इसको भाई छोड़ना नहीं हर हाल में, भाई लेस्टर के पास पकड़ करके लेकर के जाना है भाई। सारे पैसे ना भाई हम लोग इसी से वसूली करेंगे। एक सेकंड, कहाँ निकलेगी तेरी भैंस की टांग? लेट्स गो गाइस, अभी ना ये तो हो चुका है, नीचे उतर चुकी है, बेहोश हो चुकी है। नहीं नहीं भाई रुको रुको रुको, ये कहाँ जा रही है यार? गाइस एक सेकंड, ये ना जेट के अंदर बैठ चुकी है। मुझे भाई फटाफट ना यार, भाई क्या करूँ अब? भाई रुको रुको रुको, कुछ भी कर भाई, आरपीजी मेरे पास है नहीं। एक सेकंड यार, रुको 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 भाई, यहाँ पर ना फैन मैन भी मारते भाई। रुको ये ना अटक चुका है बहुत बुरा वाला, मुझे लगता है ना गाइस इसको हम लोग ना इजीली ब्लास्ट कर सकते हैं। भाई पूरा ना फायर वायर कर रहा हूँ भाई, ये ना पूरा जेट में अंदर बैठ चुकी है यार। यार निकलना जाए यहाँ से वरना बहुत बुरा सीन हो जाएगा यार। अब लेस्टर यार रुको, भाई 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 यार ये तो यहाँ से निकल गई भाई यार, भाई बहुत बुरा। एक सेकेंड भाई, ये जंप कर गई भाई, हो सकता है ना इसके फैन वैन पे मैंने मारा ना, तो भाई ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और भाई ये जंप कर गई। बट चलो कोई ना, फटाफट से गाइस एक काम करते हैं, जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठते हैं, जल्दी से गाइस गाड़ी के अंदर बैठते हैं और इसके ना भाई जा करके बैंड बजाते हैं। भाई रुको 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 रुको, इसको ना भाई बहुत ज़्यादा मैंने पैरों वैरों पर तो मारा था। और एक सेकेंड भाई, ये अपना हाथ ऊपर करके ये सरेंडर कर रही है खुद को। और भाई प्लेन देखो उधर जा करके गिर चुका है। और ये लड़के का क्या कुछ प्लान है भाई? भाई इस पर ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है बिल्कुल से। एक सेकंड, चलो भाई सब ठीक है, अभी ना ये घुटनों के बल बैठ चुकी है। और हाँ गाइस, अभी ना दो चार बुलेट तो इसको लगी है पक्का 100%, पैरों भी दो चार लगी है। और अब जाकर ना भाई ये कुछ करने लायक नहीं है, मतलब अब ना मैं इसको आराम से ना किडनैप करके ले जा सकता हूँ। चलो यार ठीक है, अभी ना मैंने इसको साफ साफ बोल दिया कि जाकर चुपचाप गाड़ी में बैठो वरना इतना मारूंगा ना कि बैंड बच जाएगी। चलो भाई सब ठीक है, अभी ना भाई इसको लेकर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बाकी फ्रेकिंग कब तक आएगा ये तो मुझे नहीं पता। कोई ना भाई, अभी ना फटाफट जा करके गाड़ी में बैठते हैं वरना भाई सब पता चला ना कि गाड़ी स्टार्ट करके खुद ही भग गई। और एक सेकंड यार, अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो अपने मस्टैंग यहीं पर रह जाएगी। बट चलो कोई ना, चलो भाई सब ठीक है। फ्रेकन से बात हुआ तो भाई वो बोल रहा था कि वो ना प्रेजर के साइड है, मतलब वो भी ना यहाँ पर पहुँचता होगा। तो मैं उसको बोल दूंगा यार तुम ना मस्टैंग को लेके आ जाना, मैं इसको लेकर के जा रहा हूँ लेशर के पास। अब भाई देखो जो पैसे वैसे भाई इन लोगों ने हैक करके ना अकाउंट खाली किया ना, वो पैसे मेरे को वापस चाहिए। तेरी भैंस के टांग, ये कौन पीछे से टक्कर मारा है यार? गाइस रुको भाई, क्या टक्कर मारा भाई ये बंदा ना भाई। एक सेकंड, ड्रग माफिया होगा जो कि इसको बचा। अबे हाँ ये यही है, तेरी ऐसी के तैसी, रुक जा बेटे, बहुत बड़ी गलती करी है तूने, आ जा टक्कर मार ले तू मेरे को। बच गया बच गया बच गया।
भाई रुको रुको रुको, ये यहाँ से निकल रहे, जल्दी से गाड़ी में बैठते भाई। चलो गाइस यार फटाफट ना जा करके गाड़ी के अंदर बैठते भाई, वो लोग ना यहाँ से काफी दूर निकल चुके तेरी। भाई यार रुको यार, स्टिकी बम लगा करके भाई, एक सेकंड भाई, नीचे सारा पेट्रोल वगैरह भाई क्या निकल, ऑयल वगैरह निकल रहा है भाई। यार गाइस गाड़ी अब चलेगी नहीं है, इसके टांग यार इतनी मजबूत थी, बुलेट प्रूफ आर्मर वाली गाड़ी थी, लेकिन भाई यार चल तो रही है, लेकिन देखो यार अभी इसमें से ना सारा ऑयल निकल रहा है भाई, इसको अब कैसे चला यार भाई, कुछ भी हो ना भाई जितना दूर जाता है ना, अभी हम लोग ने इसी से पीछा करते अपने मस्टैंग तक भी पहुँचा देना भाई, तो भाई अपना काम बन जाएगा। बाकी देखो यार पूरा ना ऑयल गिरता हुआ चल रहा है भाई, मतलब इतना फास्ट ऑयल गिर रहा है ना भाई, मुझे लगता है ना और कुछ ही देर में ना सारा टैंक खाली हो जाएगा, फिर ये गाड़ी चलने के लायक नहीं रहेगा। यार गाइस एक सेकंड भाई, ये गाड़ी तो रुक गई भाई, एक सेकंड भाई स्टार्ट नहीं हो रही है भाई, रुको यार सारा फ्यूल ना यहाँ पर भाई गिर चुका है बहुत बुरे वाला, लेकिन एक सेकंड गाइस, वेट वेट वेट, ये कौन है, फ्रैंकलिन तेरी भैंस के टांग, क्या सही टाइम पे है भाई, जल्दी से बैठ भाई, वो लोग भाग रहे भाई। रुको गाइस अभी ना भाई, मुझे जल्दी से ना उनका पीछा करना पड़ेगा, और गाइस एक सेकंड, चलो गाइस ठीक है फटाफट यहाँ से निकलते भाई, सही टाइम पे फ्रैंकलिन ना करना, अपने मस्टैंग उठा लिया और भाई मेरे को देख लिया बंदे ने। अब भाई देखो वो लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ से ना आगे गए होंगे यहाँ से, या फिर भाई कहीं ना कहीं तो गए होंगे। रुको यार मैं कैसे उनको ढूंढूं, कौन से रास्ते पे गए होंगे यही मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट वेट वेट वेट, पहले गाइस एक काम करते हैं, हम लोग ना पूरा साइड पे चलते हैं एंड वहाँ पर जाकर ना कुछ लोगों से पूछते हैं भाई, वो लोग ना पक्का ऐसी गाड़ी तो देखे ही होंगे। चलो गाइस ठीक है, फ्रैंकलिन मेरे को बोल रहा है यार, हो सकता है ये लोग ना बोट वोट के थ्रू यहाँ से निकलने के प्लान में होंगे, यही हो सकता है भाई, भगना चाहते हैं लोग ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैंने कहा भाई यहाँ पर आ चुका हूँ साइड पर पूरा चेक करने के लिए, तो आस पास में कहते यहाँ पर जहाँ पर भी बोट वोट होती है ना, तो यहाँ पर तो भाई मुझे कोई दिखा नहीं दे रहा है, तो हो सकता है इधर ना हो, लेकिन वेट 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 भाई, यहाँ पर ना गाड़ी मेरे को दिखी है जो कि भाई उनकी थी भाई, एक सेकेंड भाई, ये लोग यहाँ से निकल रहे बोट लेकर के, तेरी भैंस के टांग भाई क्या मार रही वो, वेट 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 भाई, मुझे कुछ भी करके ना इनको पकड़ना पड़ेगा भाई, फ्रैंकलिन कुछ भी करके ना भाई पकड़ना पड़ेगा यार। रुको रुको यहाँ पर ना एक और बोट है, बट भाई वो ना कुछ ज़्यादा बुरे तरीके से ना फायर नहीं कर रही है तेरी, ऐसे की तैसे भाई, रुको 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 रुको, फटाफट गाइस यहाँ पर बैठते हम लोग, और अभी ना भाई हमारा वक्त आ चुका है इनकी खत्म, इनकी बैंड बजाने की, भाई फ्रैंकलिन जल्दी से आ भाई, क्या कर रहा है। चलो गाइस ठीक है, फ्रैंकलिन भी आकर के बैठ चुका है भाई, इस पे ना वेपन लगी थी भाई, ये बहुत बढ़िया बात है, और इस वक्त ना गाइस बहुत तगड़ी वाली अपनी ना फाइट हो रही है भाई, और यहाँ पर भाई दो तीन और इनके गार्ड वार्ड लगता है भाई, देखो यहाँ पर एक दो और बोर्ड है भाई, रुको 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 रुको, मुझे ना भाई इनसे बचना भी पड़ेगा, और भाई फ्रैंकलिन थोड़ा सा ना आराम आराम से ना बच बच के भाई इनको मारो यार। रुको गाइस अभी ना भाई वो भी इधर से लगी पड़ी है लड़की, और भाई इस वक्त हम फ्रैंकलिन मैंने लगा दी इधर से भाई, बहुत सही है, मैं भी यहाँ पर ना दो चार बजाने की कोशिश करते हैं, क्या ना बोर्ड ब्लास्ट करते हैं कुछ भी करके भाई, रुको रुको रुको, ऐसा करते हैं ना फ्रैंकलिन बढ़िया सा ना एम बस कर ले, रुको 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 रुको, ये पड़ा एक भाई, रुको एक सेकेंड भाई, क्या थकड़ी वाली भाग रहे भाई ये लोग, कोई ना कोई ना कोई ना, अभी ना जो ड्राइवर है ना भाई ड्रग माफिया, उसी को एम करने की कोशिश करते भाई, ये जो लड़की है ना भाई ये वेपन को थ्रू ना सारा बुलेट वगैरह रोक कर ना बच जा रही है, बट कोई ना मतलब वेपन जो लगा पड़ा ना भाई उससे ना सारा बुलेट ना भाई वहीं पर लग रही है भाई, इसको लग ही नहीं रही है, एक सेकेंड ये पड़ा भाई, ड्रग माफिया को पढ़ नहीं रहा यार, रुको कोई ना, अभी ना भाई बहुत तगड़ी वाली अपनी लड़ाई चल चुकी है, बट अभी ना टक्कर वक्कर मारने की कोशिश करते हैं भाई, वेट भाई बोट ही पलट जाए ना तो मज़ा आ जाता, बट कोई ना यहाँ पर देखो रास्ते में ना सारे बंदे जाए जंप वंप कर गए भाई, मतलब यहाँ पर फाइट अपनी देख करके, कोई बात नहीं भाई, बोट तो काफ़ी तगड़ी भाई, मतलब बहुत काफ़ी सही रही है। ओ भाई आरपीजी कौन चला रहा है, तेरी भैंस की टांग भाई, भाई भाई ये ना भाई ड्रग माफिया ना रुक करके बीच में ही आरपीजी चलाने लगा, बट कोई ना भाई ये लोग ना इतनी आसानी से ना बचने नहीं वाले भाई, कहाँ जाओगे कहाँ जाओगे। चलो गाइस ठीक है, अभी ना पूरे फुल स्पीड में यहाँ से भगा रहा हूँ, बाकी रुको लड़ाई अपनी बहुत तगड़ी हो रही है भाई, इस वक्त ना भाई जो लड़की है ना वो ड्राइव कर रही है, और वो जो बंदा है ना भाई देखो कैसे फायर कर रहा है भाई बुलेट वगैरह, मतलब यार ये ना कुछ ज़्यादा खतरनाक निशाना लगा पा रहा है, तो अभी ना भाई थोड़ा सा हमें बच के रहना पड़ेगा भाई, फ्रैंकलिन ना सही से निशाना लगा पा रहा भाई, देख रहा पूरा टेढ़ा कर दिया वेपन को जो लगा पड़ा है, बट कोई ना बेटे आ रहा मैं, टेंशन मत ले, मारूंगा ना जब ना पड़ेगा जब ना अपनी वाली वेपन ना, तो तुम्हें समझ आएगा, वैसे गाइस कुछ भी हो ना भाई ये लोग ना यहाँ पर ऐसे चक्कर वक्कर कटवा रहे हैं भाई, मैं क्या ही बोलूँ मैं। चलो गाइस ठीक है भाई, अभी ना काफ़ी तेज़ी से भगाता भगाते इनका पीछा कर रहा हूँ, और अभी ना भाई ये कहाँ जाना चाहता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन अभी ना भाई यहाँ से रास्ता खत्म है, और अब एक सेकंड फायर करने लगा तेरी भैंस की टांग, मुझे ना भाई इसके वार से बचना पड़ेगा भाई, देखो ये ना बहुत खतरनाक फायर करता है और बंदा बहुत तगड़ा है, बट कोई अभी ना निशाना लगा कर ना दो चार रख के बजाए ना तो बंदे कैसे तैसे हो जाएगी, एक सेकंड पड़ा 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 भाई रुको, एक सेकंड भाई भाई बहुत ज़्यादा गलत सीन है यार अपनी भाई, क्या उड़ा दिया मैंने, और यहाँ पर ड्रग माफिया भाई सब देखो यहाँ पे कुचला जा चुका भाई, ये बंदा तो अब खत्म तेरी भैंस के टाइम, तो उठ के दिखा उठ के दिखा उठ के दिखा भाई, बहुत बुरा सीन हुआ है, बट एक सेकंड वो जो लेडी था ना भाई वो शायद से ना बोट के अंदर ही है, रुको 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 रुको, शायद से बोट के अंदर छुपी बैठी है, इधर है तेरी भैंस के टांग, एक सेकंड इधर तो नहीं है, अबे नहीं हेलो
तेरी भाई। अबे यार मुझे लगा बोट के अंदर छुपी होगी और वो भाई यहाँ से निकल गई। भाई जब फ्रैंकलिन ने भाई उसको मारने के लिए वहां तक तो चला गया, पर भाई ये लड़की यहाँ से निकल चुकी है। पर मैं फायर वायर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कट्टा से मार जाऊँ क्या मेरी तो। भाई बहुत बुरा सीन हुआ गाइस। यार भाई ये लड़की ना भाई यहाँ से उड़ चुकी है, और अगर मैं इसको ब्लास्ट नहीं कर पाया ना तो ये यहाँ से निकल जाएगी। फिलहाल देखो यार ये ना अपने फ्रेंड की वजह से ना यहाँ पर रुकी पड़ी है, बट मैंने ड्रग माफिया का ना दे एंड कर दिया है। यहाँ पर ब्लड देखो कैसा भाई पूरा पानी भाई फैल चुका है। भाई ये ना किसी भी हाल में जिंदा रहनी चाहिए भाई। लास्ट टाइम जब मैं इसको मारा था ना पुलिस वाले के पास ट्वेट के पास, भाई ये बंदा जिंदा बच गया था। इस बार ना भाई जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि इसको मैं जलाने वाला भी हूँ। चल भाई तू ना इसको धक्का उक्की करके ना इधर लाते हैं, लेकिन जलाने के लिए ना भाई पेट्रोल वगैरह लाना पड़ेगा, और आई थिंक ना बोट में होना चाहिए। भाई ये फ्रैंकलिन ना भाई बोट इसके प्लेन को उड़ाने के चक्कर में ना गाड़ी के अंदर बैठा पड़ा है। रुको 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 रुको, मेरे पास एक मस्त आइडिया गाइस। फटाफट ना यहाँ पर चढ़ते हैं और अभी ना इस पर बैठते हैं। आ जा आ जा आ जा भाई, यहाँ पर जो वेपन लगी है ना इससे हम लोग ना इजिली इसको ख़त्म कर सकते हैं। बट भाई सब ये दूसरी साइड चली गई। यार फ्रैंकलिन इधर की तरफ आ जा भाई। यार ये ना यहाँ से निकल चुके हैं भाई। इसको ना पता चल गया कि भाई इसका जो फ्रेंड ड्रग माफिया था ना वो भाई मार दिया माइकल ने। फिलहाल कोई ना एक तुम्हारा कम से कम ना भाई एक भाग गई, कोई बात नहीं भाई। वैसे हमें उसको जिंदा रखना था, लेस्टर ने बोला था भाई इसको जिंदा पकड़ना, क्योंकि भाई देखो क्योंकि भाई वही वो हैकर है जो कि भाई लेस्टर के सारे पैसे वैसे चोरी करी है बैंक अकाउंट हैक करके। और अभी ना भाई ये बंदा तो इतनी गोलियां मैंने मारा ना भाई, इतने छेद हो गए इसकी बॉडी में ना यार क्या ही बोलूं मैं। फिर अब ब्लड ब्लड यहाँ पर मतलब हो रखा है, बट इसको मैं जलाऊंगा यार, इसको ऐसे छोड़ूंगा नहीं भाई। फ्रैंकलिन आ जा भाई इधर। ओके गाइस चलो ठीक है भाई, इस वक्त लेस्टर को मैंने कॉल किया है और भाई उसको मैंने बताया कि भाई देखो मैंने बहुत कोशिश करी दोनों को पकड़ने का जिद्दा, लेकिन भाई वो लोग ना इतने बुरे तरीके से भागे ना भाई अपनी जान को बचाने के लिए ना, यार एक को मेरे को मारना पड़ गया, मतलब वो गलती से ना मेरे हाथों पिस्तल लग गए, वो बंदा बच नहीं पाया। और एक सेकंड भाई बच के भाई ब्लास्ट व्लास्ट ना कर दे, मतलब थोड़ी टक्कर वक्कर ना मार दे। और फ्रैंकलिन अभी आ चुका है, फटाफट इसको बोलते हैं ना जा करके पेट्रोल वगैरह का जुगाड़ कर, ऑयल वगैरह का। ओके बंदा ना भाई पहले सारा कुछ जुगाड़ कर बैठा है। बाकी चलो ठीक है भाई, अभी ना मैंने लेस्टर को बोला ना यार देख एक तो मर गया ड्रग माफिया, उसका दी एंड हो चुका है, बंदा हमेशा के लिए पूरा दुनिया से ही उड़ चुका है। लेकिन जो हैकर वो लेडी थी ना वो भाई यहाँ से निकल चुकी है। चलो यार क्या ही कर सकते हैं, अभी ना भाई पैसे हमें वापस चाहिए ना, हमें कुछ भी करके ना भाई उसको भी ढूंढना पड़ेगा, और ये हम लोग कुछ ना कुछ करके कर लेंगे। बाकी चलो भाई इसका अंतिम संस्कार भी यहाँ पर हो चुका है, जो बंदे को हम लोगों ने जला दिया है। बट कोई ना पेट्रोल वेट्रोल डाल के ना बंदे के ना पूरी बॉडी में ना आग लगा दो, ऐसा करते हो ना किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि आखिरकार ये जिंदा भी है या एग्जिस्ट भी करता है या फिर नहीं। और भाई ये बंदा पूरा जल कर ना भाई ख़त्म हो चुका है। चलो यार फ्रैंकलिन, ओ भाई भाई ये ना कुछ ज़्यादा खुन्नस निकाल रहा है भाई। चलो भैया ठीक है, अपने कैसे हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और यार बहुत बुरा हुआ यार, चलो कोई ना कम से कम ड्रग माफिया को तो हम लोगों ने डी एंड कर दिया ना, अब जो बचा हुआ है उसको हम लोगों ने बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे। बाकी हम लोग बोट को चलाते हैं भाई, फ्रैंकलिन भी आकर के बैठ चुका है। और भाई ये जो है ना भाई क्या खतरनाक बोट है भाई, देख रहे हो मतलब चलती खतरनाक है भाई। और इन लोगों ने भाई भागने के लिए ना सारा इंतज़ाम वगैरह भी कर रखा था पता नहीं। ठीक है गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और भाई जो हमारा मेन काम था ना भाई हैकर को पकड़ करके ना सारे पैसे वैसे अपना जो लेस्टर गया ना भाई वो वापस लाने का, भाई वही नहीं कर पाए। बट हाँ छोड़ेंगे नहीं साले को भाई, मतलब उसको छोड़ने नहीं वाले हम लोग, जब भी मिलेंगे ना भाई कूट के रख देंगे। चलो ठीक है फटाफट हम लोग चलते हैं यहाँ से। चलो भाई सब ठीक है भाई, अभी ना फाइनली मैं इसको लेकर के आ चुका हूँ। एंड भाई देखो अपना मस्टैंग किधर है यार, एक सेकंड गायब है भाई, कुछ चोरी वोरी कर लिया क्या यार। भाई रुको रुको मैंने रॉन्ग साइड आ गया भाई, उधर अपनी मस्टैंग खड़ी है और मैं कहाँ आ गया। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी ना भाई कम से कम ड्रग माफिया का डीएन तो किया हम लोगों ने, बहुत जल्द वो भी पकड़ी जाएगी और अपने पैसे भी वापस आएंगे, और उसके बाद भाई लेस्टर का भी बदला हम लोग ले लेंगे भाई। चलो ठीक है फटाफट अभी मस्टैंग में बैठते हैं और भाई यहाँ से हम लोग निकलते हैं। और भाई ट्रेवर का क्या हाल चाल है भाई, अभी तक मैंने पूछा नहीं है भाई, फटाफट हम लोग यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलते हैं। चलो गाइस ठीक है, अभी ना भाई फटाफट एक काम करते हैं, ट्रेवर ना भाई अपने न्यू वाले मेंशन पर है और लेस्टर भी वहीं पर है। तो गाइस देखो अभी ना वक्त आ चुका अपने न्यू वाले मेंशन का भी देखने का, भाई बहुत टाइम हो गया भाई ये फालतू की लड़ाई वड़ाई चक्कर में ना देख नहीं पाए। बट अभी जाकर हम लोग फटाफट न्यू मेंशन भी देख लेते हैं, और ट्रेवर भी वहीं पर भाई, मतलब डॉक्टर वॉक्टर वहीं भी बुला रखा है लेस्टर ने, और वहीं पर भाई उसका इलाज चल रहा है। तो फटाफट गाइस भगाते हैं और चलते हैं अपना फाइनली न्यू मेंशन को देखने के लिए। ओके गाइस चलो ठीक है भाई, इस वक्त फ्रैंकलिन को ना एक छोटा सा काम है, और हाँ जो डगन बॉस की आर्मी आ रखी है ना भाई तो उनको लेकर के उसको वापस काया पैरी को अलर्ट भी जाना है। तो अभी ना भाई ये बोल रहा है मैं तुम्हारा मेंशन न्यू वाला बाद में आकर देखूंगा, बाकी इसकी देखो यार मैक्लेरन यहाँ पर खड़ा कर रखा था बंदा। चलो भैया ठीक है ये यहाँ से निकल रहा है, बाकी हम लोग चलते हैं भाई सीधा, लेस्टर बुला रहे हैं मुझे न्यू मेंशन पर। मतलब गाइज हम लोगों ने जो न्यू मेंशन बनवाया ना भाई पैसे वैसे बहुत सारा लगा करके,
तो भाई वो फिनिश हो चुका है, तो आज हम लोग जा रहे हैं उसी को देखने के लिए। और ट्रेवर एंड लेस्टर भी वहीं पर है, तो चलो भैया ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। और भाई आप लोग भी यार कमेंट कर रहे थे यार न्यू मैंसन बना के नहीं, जल्दी से दिखाओ यार। तो चलो भैया ठीक है, फाइनली मैं ना इस वाले मस्टैंग को भगाता भगाता पहुँच चुका हूँ। और अभी ना भाई पता नहीं क्या कुछ होगा, जल्दी से हम लोग जाकर देखते हैं भाई लेस्टर ने क्या कुछ बनवा रखा है। ओ भाई क्या बचाया मैं इसकी व्हाइट वाली गाड़ी को, कोई बात नहीं। चलो भैया ठीक है, फाइनली मैं आ चुका हूँ। और भाई जगह भी ना यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा है ही भाई, क्योंकि गाड़ियाँ वाड़ी हम लोग कलेक्शन बनाएंगे ना, तो हम लोग एक से बढ़कर एक बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ रखेंगे। एंड एक सेकेंड, ये रहा अपना भाई लेस्टर का गोल्ड वाला उरुस, भाई बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ मैं। चलो ठीक है भाई, देखो यार पुराना वर्क वगैरह चल रहा, तो उस टाइम पे भाई कितना कबाड़ी सा लग रहा था, लेकिन अभी देखो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है फिलहाल। चलो भैया ठीक है, फटाफट हम लोग ना अंदर चलते हैं। और दरवाज़ा देखो कितना ज़्यादा ख़तरनाक है भाई, रुको मस्त एकदम फिनिशिंग के साथ है भाई यहाँ पर तो हर एक चीज़। और ये फाइनली मैं अंदर आ चुका हूँ। और अभी ना भाई फटाफट ना सामने की तरफ देखते क्या कुछ बनवा रखा है भाई साहब। एक सेकेंड गाइस, क्या मेंशन है यार, क्या प्यारा सा है। फिलहाल यहाँ पर ना हर एक चीज़ लगा रखा है, लगवा दिया लेस्टर ने। और यहाँ पर भाई एक सीढ़ी भी है जो कि ऊपर की तरफ जाती है। भाई ऊपर वाले फ्लोर देखने से पहले ना हम लोग भाई पहले ग्राउंड फ्लोर तो एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर भाई लेस्टर ने क्या कुछ चीज़ें बनवाया है। तो सबसे पहले गाइस सामने जो दरवाजा है ना वाली, तो वहाँ पर पहले जाकर देखते हैं। बाकी इस साइड की तरफ देखो सारा बुक्स वगैरह यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं, जो भी चीज़ें चाहे छुपा करके चाहे तो रख सकते हैं यहाँ पर, ड्रॉअर वगैरह। और यहाँ पर भाई हम लोग चाहे अपनी ट्रॉफी वगैरह रेस में जो जीतेंगे ना, वो सारे ट्रॉफी हम लोग इस वाले में रख सकते हैं। तो ठीक है गाइज, जगह बहुत सारी है। बाकी इस वाले गेट के बाहर क्या है, ओके ये तो बाहर जाने का रास्ता है, बाहर नहीं जाना है, पहले भाई अंदर का नज़ारा तो देखे यार हम लोग। बाकी एक सेकेंड, यहाँ पर भाई अलग अलग तस्वीरें वगैरह भी लगी पड़ी है, बहुत बढ़िया है। और इस साइड की तरफ क्या है, ओके तो वही पुराने वाले स्टाइल में यहाँ पर किचन भी है। और गाइज मैंने एक्साइटेड हूँ भाई यहाँ पर जो लेस्टर ने ना सीक्रेट बेस बनवाया ना, बंकर बनवाया ना, वो देखने के लिए। बाकी यहाँ पर किचन वगैरह बहुत बढ़िया है भाई, अपनी फैमिली को मैंने लेके आना था भाई, उनको दिखाना था ये वाला मेंशन। और एक सेकेंड, ये दरवाज़ा भाई मुझे लगा था ना यहाँ पर कोई सीक्रेट दरवाज़ा होगा, बट चलो ठीक है यहाँ पर भाई हम लोग आ करके देख तो रहे, लेकिन लेस्टर भाई सब किधर है। और यहाँ पर भाई अपनी फैमिली के साथ बैठ करके आराम से टीवी एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर, और बातें साथे कर सकते हैं भाई। बहुत बढ़िया जगह यार, मतलब क्या सही, ऊपर की तरफ देखो यार पूरा डिज़ाइन वगैरह एकदम नेक्स्ट लेवल है भाई, काफ़ी पैसे भी तो लगे यार। और ये रहा बाहर जाने का रास्ता, यार एक बार ना लेस्टर कॉल करते भाई, पता नहीं बंदा किधर है यार, पता नहीं उसने बोला यार इसी मेंशन पर वो है, बट यार अभी ना कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा है। चलो छोड़ो, बाकी गाइस देखो यहाँ पर किचन के बगल में ना एक और रूम है जो कि हो सकता है बेडरूम वगैरह, अबे नहीं है तो बाथरूम है। ओ एक सेकेंड, लेस्टर यहाँ पर बैठा हुआ था यार। चलो कोई ना भाई, बंदा भाई सब शर्मा ही गया होगा, बट चलो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी गाइस अभी ना नीचे वाला फ्लोर हम लोगों ने पूरा देख लिया, बाकी यहाँ पर दो दरवाज़ा और है, तो ये होगा आई थिंक गैराज का। भाई गैराज भी ना काफ़ी बढ़िया भाई, यहाँ पर सामान वगैरह रख सकते हैं, मतलब दो गाड़ी आराम से यहाँ पर आ सकते हैं, दो या तीन, हाँ दो तो आराम से आ जाएगी। चलो भैया ठीक है, बाहर भी गाड़ी अंदर भी गाड़ी, पूरा ना भाई कार कलेक्शन बना के रख देंगे। एंड एक सेकेंड, यहाँ पर एक और रूम है जो कि भाई बैठने बैठने के लिए बना रखा है, मतलब यहाँ पर ना भाई पीने वीने की चीज़ें मतलब रखी हुई है, ड्रिंक वगैरह। चलो ये सब छोड़ो, ये रूम अपने लिए नहीं है। चलो ठीक है गाइज, यहाँ पर ना जितने भी रूम थे ना सारे नीचे ग्राउंड फ्लोर मैंने एक्सप्लोर कर लिया, फटाफट ना ऊपर एक बार जाकर देखते हैं। बाकी लेस्टर भाई साहब आराम से भाई लगा पड़ा अपना, चलो कोई ना भाई, भाई काफ़ी बढ़िया भाई इधर देखो। ओ वेट, एक और फ्लोर भाई, मज़ा आ गया भाई, क्या मेंशन है यार भाई। आप लोग ना जाकर कमेंट में बताओ कि भाई ये मेंशन आपको कैसा लगा। बाकी गाइज एक सेकेंड, यहाँ पर भाई खाने पीने के लिए जगह है, बहुत बढ़िया, ये जगह भी काफ़ी बढ़िया है। और भी यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें हैं भाई वो पहले देखते हैं। तो ठीक है यहाँ पर भाई हम लोग आराम से खड़े होकर ना पूरा बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, बेस्ट है भाई बेस्ट है। बाकी ये कौन सी जगह है, ये हो सकता है, अबे ये तो बाहर जाने का रास्ता है यार, मुझे लगा ये हो सकता है सीक्रेट बेस होगा, बट यहाँ पर भाई सीक्रेट वाला बेस किधर है यही मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। चलो भैया ठीक है, काम करते ना यहाँ पर ना हर एक दरवाजे में जाकर देखते हैं कि यहाँ पर बेडरूम वगैरह कितने हैं भाई। ये तो अपना ऑफिस रूम बोल सकते हो, यहाँ पर काम वाम होती है। बाकी यहाँ पर लेस्टर का पैसे वैसे कुछ रखे हुए हैं भाई, क्या मस्त मेंशन है यार, मतलब यार आप लोगों ने एक बार जाकर कमेंट करके बताओ कि यार देखो पुराना जो इसमें था ना भाई वो तो बहुत बेकार सा था, लेकिन ये वाला जो नया हम लोगों ने बनवाया ना भाई, खुद से डिज़ाइन करवाया ना लेस्टर ने करवाया ना, वो कैसा है। बाकी यहाँ पर नहाने के लिए एकदम परफेक्ट जगह, और भाई अपन लग भी रहा है काफ़ी स्मार्ट। लेट्स गो गाइस, अपने फैमिली को ना एक बार कॉल करके बुला लें क्या भाई, इस वाले मेंशन को दिखाने के लिए, वैसे ना सीधा ना सरप्राइज़ करेंगे यार यहाँ पर ला करके। और ओके तो ये है भाई अपना बेडरूम, ये रहेगा अपना बेडरूम भाई, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर ना भाई पूरा बाहर का नज़ारा भी देख सकते हैं, ठीक है ये जो ये रूम भी काफ़ी बढ़िया है। बाकी एक और यहाँ पर और रूम है, ये है
ओके ये भी बेडरूम है, यहाँ पर जिम्मी ट्रेसी किसी को भी दे देंगे रहने के लिए। चलो गाइस ठीक है, अपने मेंशन का ना फर्स्ट फ्लोर भी मैंने देख लिया, बाकी ना अभी फटाफट हम लोग ऊपर चलते हैं। भाई इतना बड़ा मेंशन है ना यार, क्या ही बोलूँ, मतलब मज़ा आ गया। वैसे गाइस देखो अभी ना भाई, अभी तक ना मेरे को यहाँ पर कोई सीक्रेट बेस नाम की चीज़ दिखी नहीं है, और ये सबसे ऊपर हो सकता है इसी के अंदर कुछ ना कुछ सीक्रेट चीज़ें होनी चाहिए। और रे भाई साहब, ये तो एक बहुत बड़ा सा है भाई बेडरूम। एक सेकेंड, यहाँ पर बुक्स वगैरह हर एक चीज़ रखी हुई है। भाई यहाँ पर कौन सोया हुआ है, कौन है भाई तू? अबे यार ट्रेवर है भाई। चलो गाइस ठीक है भाई, ट्रेवर को ना गोली वोली लगी थी ना, तो लिस्टर सीधा यहाँ पर लेकर आ करके डॉक्टर से इलाज वगैरह करवाया। भाई अभी ना बंदा आराम कर रहा है, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक है गाइस, ये वाला जो रूम है ना भाई सबसे ज़्यादा लग्जरी है, तो यहाँ पर भाई कौन रहेगा? माइकल रहेगा भाई, अपना मेंशन है। और ये बाहर का नज़ारा भाई देखो कितना ज़्यादा प्यारा है। तो गाइस अभी ना आप लोग जा करके कमेंट बताओ कि यार ये जो मेंशन है ना आपको कैसा लगा, और इसमें हमें कुछ चेंजेस करनी चाहिए। वैसे देखो यार मेरे जो मेंशन है ना बिल्कुल परफेक्ट है भाई, एकदम नेक्स्ट लेवल है। इसमें ना गाइस मेरे को नहीं लगता कोई चेंज करने की ज़रूरत है यार, क्योंकि लेस्टर ने जो भी डिज़ाइन करवाया ना सोच समझ कर करवाया और एकदम परफेक्ट करवाया है। बट भाई अभी तक ना मेरे को यहाँ पर कोई सीक्रेट बेस नाम की चीज़ नहीं दिखी यार। फटाफट ना लेस्टर से पूछते हैं, यार तूने तो बोला था यार कुछ खतरनाक सीक्रेट बेस बनवाओगे, पर यहाँ पर तो भाई कुछ है ही नहीं। ओके गाइस, तो मैं अपने मैंसन के ग्राउंड फ्लोर पर आ चुका हूँ, और अभी ना भाई लेस्टर से मैं पूछ रहा हूँ कि भाई देख सीक्रेट बेस किधर है यार, तूने बोला था यहाँ पर एक सीक्रेट बेस बनवाऊंगा बहुत खतरनाक, और यहाँ पर तो भाई कोई ऐसा दिखाई नहीं। तो यार देखो अभी ना लेस्टर मुझे बोल रहे ना कि जो सीक्रेट बेस है ना वो तुम्हारे बगल में है, अब तुम्हारा एक चैलेंज है उसको ना भाई तुम्हें ढूंढना है। अगर तुम ढूंढ लिए ना तो मैं तुम्हें एक खतरनाक गिफ्ट दूंगा, और वो भी एक लग्जरी कार जो तुम बोलोगे। भाई एक सेकेंड यार, सीक्रेट बेस रुको यार, यहाँ पर ना मुझे लगता है ना जो किचन वगैरह है ना यहीं कहीं पर होनी चाहिए, और ये भी नहीं है यहाँ पर भाई, ओपन नहीं हो रहा। वैसे गाइज यहाँ पर तो भाई बगल में बोला बंदे ने, बट यहाँ पर भाई कहीं पर भी ना मेरे को ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भाई रुको यार, ये लेस्टर मेरे को पूरा पागल बना रहा है भाई। यहाँ पर एक सेकेंड, ये साइंस से खुलती होगी यार? नहीं 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 ये खुलती नहीं है। फटाफट ने कहा लात मार के देखते हैं भाई, यहाँ पर तो कुछ नहीं है यार। तो यार भाई अगल बगल मैंने हर जगह देख लिया भाई, कोई भी यहाँ पर सीक्रेट बेस है नहीं। एक सेकेंड, ये है क्या? नहीं 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 ये भी ओपन नहीं हो रहा है भाई। यहाँ पर ना कहीं पर भी भाई सीक्रेट बेस वगैरह है नहीं भाई, हर जगह मैंने चेक कर लिया है। अब भाई देखो यार लेस्टर, मैं ना हार मानता हूँ यार, यहाँ पर ना कोई भी ऐसा बेस मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, जल्दी से बता किधर है। मेरे को भाई देख रहे यार, मतलब एक्साइटेड होता जा रहा हूँ, लेकिन भाई यहाँ पर ना कहीं भी मेरे को मिली नहीं है। चलो भाई साहब ठीक है, मैंने भाई हार मान गया, और अभी ना भाई लेस्टर मेरे को लेकर के जा रहा है सीक्रेट बेस दिखाने के लिए। भाई इधर की तरफ है, और मैं एक सेकेंड, इधर भी नहीं है भाई, क्या करना चाहता है? ओ वेट, कहीं इसी में से तो नहीं है ना? अबे यार ये क्या कर रहा है, मेरे को इधर उधर घुमा रहा है भाई, पागल बना रहा है बंदा। और एक सेकेंड, ये दूसरी वाले फ्लोर, अरे भाई सब यहाँ पर था, भैंस की टांग मेरे को दिखाई नहीं। क्या यार एक हाथ पहुँचना, मेरे को इधर भी मार कर देखना था, बट भाई मुझे लगा ना ये तो भाई सीढ़ियों के लिए बनाया गया है। भैंस की यार, ऐसा खतरनाक सीक्रेट बेस बनवाया ना यार, क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल चलो ठीक है, हम लोग ना अंदर जाकर देखते हैं। और भाई साहब ये जगह हम लोगों ने बनवाया भाई अपने इलीगल बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और यहाँ पर जो भी गलत काम करेंगे ना सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर छुपा कर रखेंगे। इतना ज़्यादा बड़ा है ना गाइज, आप लोग भी देखकर हैरान हो गए होंगे। फिलहाल यहाँ पर ना ये जगह है टॉर्चर करने के लिए, जो भी अपने एनिमी बनेंगे, दुश्मन बनेंगे ना, उनको पकड़ के लाएंगे, और यहाँ पर भाई अलग अलग चीज़ें से ना ऐसी टॉर्चर करेंगे ना भाई, उनकी भी ना बैंड बच जाएगी। और हाँ गाइज, अभी ना लेस्टर मेरे को साफ साफ ये भी बोला है ना कि इस वाले जगह के बारे में ना ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, मतलब फ्रैंकलिन को तो भाई बिल्कुल ही मत बताना कि इस सीक्रेट बेस के बारे में, घर बता दो सीक्रेट बेस बिल्कुल मत बताना। तो ठीक है भाई, और ट्रेवर को भाई इस बारे में पता नहीं है, ट्रेवर सो रहा है इसलिए हम लोग ना इस वाले सीक्रेट बेस के अंदर आए हैं। बाकी यहाँ पर भाई जो हम लोग कैद करके रखेंगे ना, तो उनके लिए यहाँ पर बेड है, और ये प्रिजन आई थिंक। तो भाई देखो ये जो जगह है ना, ये भाई हम लोगों ने एक मतलब लेस्टर ने एक प्रिजन टाइप से बनवाया है, जो भी अपने दुश्मन होंगे ना उनको यहाँ पर कैद करके सबक सिखाने के लिए। भैया क्या बवाल चीज़ है यार ये। चल देखो ये वाला रूम है ना, मैंने साथ से देख लिया है एक बार, और जाकर देखते यहाँ पर आया था कि नहीं। नहीं 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 ये बिल्कुल नया है। और भाई ये ना एक मतलब बड़ा सा जगह है जहाँ पर गए हम लोग ना जो भी चीज़ें चाहे पैसे वैसे गोल्ड डायमंड जो भी चीज़ें चोरी करेंगे ड्रग्स वगैरह उनको हाइड करके रख सकते हैं। भाई बहुत सही है यार, पूरा बेस ही मतलब नहीं, ये जो बंकर टाइप से बनवा दिया है लेस्टर ने यार। गाइस अब ना आप लोग जा करके कमेंट में मेरे को बताओ कि जो जगह है ना आपको कैसी लगी। और ये अच्छा, यहाँ पर तो मैं पहले ही आकर देख लिया, मतलब यार देखो यहाँ पर ना तीन जगह है, एक जेल का है और एक सामान रखने के लिए है, और हाँ मतलब बहुत बढ़िया यार। यार गाइस आप लोग को कैसा लगा ये सीक्रेट बेस, आप लोग ना फटाफट जाकर कमेंट करके मेरे को बताओ। बाकी हम लोग फटाफट ना बाहर की तरफ चलते हैं।
भाई साहब क्या बवाल चीज है यार। ओके गाइस चलो ठीक है भाई, इस वक्त लेशन मुझे बोल रहा है ना कि इस वाले सीक्रेट बेस के बारे में जो कि यहाँ पर है ना, इसके बारे में भाई हमें ना ज्यादा से ज्यादा लोगों से छुपाना है और छुपा कर रखना है। बाकी चलो भैया ठीक है, अभी नहीं गाइस हम लोगों ने बेस तो देख लिया, लेकिन वक्त आ चुका है गाइस हमें अपनी फैमिली को भी यहाँ पर ला करके इस वाले बेस को दिखाने का। तो चलो ठीक है गाइस, अभी ना फटाफट से काम करते हम लोग अपने घर पर चलते हैं, और अपने घर से ना सारा सामान वगैरह लेकर ना हम लोग इस वाले मेंशन पर आकर रहेंगे। भाई मजा आने वाला है। चलो ठीक है फटाफट ना अपने मस्टैंग को यहाँ पर घुमाते हैं और जल्दी से चलते हैं। अमांडा को और जिमी को और ट्रेसी को तीनों को हम लोग बिठा कर यहाँ पर लाएंगे। वैसे एक सेकेंड, मेरे पास तो भाई एसयूवी है नहीं, तो मैं लाऊंगा कैसे? मस्टैंग से काम चलाना पड़ेगा। चलो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने घर पर जो एसयूवी पड़ा होगा ना, मतलब जो गाड़ी पड़ी होगी ना, उसको जिमी चला लेगा, मैं इसमें अमांडा को बिठा कर यहाँ पर लाने वाला हूँ और ये वाला मेंशन दिखाता हूँ। चलो भाई वो लोग भी ना खुश हो जाएंगे, और आप लोग भी ना भाई जाकर कमेंट में मेरे को बताओ कि ये जो जगह है ना, ये जो मेंशन है ना, आप लोग को कैसे लगे, और भाई अपने न्यू मेंशन में हम लोग कौन सी गाड़ी ला कर रखें, ये भी मुझे जाकर कमेंट करके बताओ। बाकी एक सेकंड, मैं गलत रास्ते आ गया क्या यार, अपना मेंशन किधर की तरफ है? फटाफट हम लोग चलते अपने पुराने वाले घर पर। चलो भाई सब ठीक है, घर पर तो काफी बढ़िया है, और अभी ना गाइस मैं आ चुका अपने घर पर पुराने वाले मेंशन पर। सॉरी 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 भाई यार, अभी गजब वाली इनकी टक्कर हो जाती। चलो ठीक है, अभी ना फटाफट अमांडा को लेने आ चुका हूँ घर दिखाने के लिए। बाकी एक सेकेंड, ये बुढ़ा कौन है जो कि अपने घर के अंदर जा रहा है? और भाई रुको 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 रुको, कुछ यार गाइस ये बंदा कौन है भाई, ये बुढ़ा कौन है मतलब? और एक सेकेंड, ये गाड़ी कौन सी भाई थी? भाई क्या यार ये चमक रही है, मतलब ये लाइटिंग वाइटिंग सी लग रही है भाई, छपरी वाली गाड़ी लेकर आया बंदा। और चलो यार एक काम करते हैं ना, गाड़ी से बाहर निकल कर देखते हैं भाई ये कौन है जो कि बंदा भाई मेरे से मिलने के लिए आ रखा है। फिलहाल इसकी गाड़ी देखो, जी वैगन भाई, कैसे लाइटिंग वाइटिंग कर रखा है भाई छपरी वाली। चलो यार फिलहाल एक काम करते हैं, जल्दी से ना घर के अंदर चलते हैं। और एक ही सेकेंड, ये बंदा भाई से अपने घर के बाहर जा करके खड़ा ही हो गया यार। ये ना दरवाजा भाई, एक सेकेंड यार, ये किससे मिलने के लिए आ रखा है भाई? इसको तो मैं जानता नहीं, तो कुछ तो गड़बड़ है भाई। रुको अमांडा, यार गाइस रुको, ये बंदा अमांडा से मिलने के लिए आ रखा है। फिलहाल गाइस अच्छी बात है ना, इनको कुछ पता नहीं है कि भाई माइकल यहाँ पर पहुँच चुका है, टपक चुका है। और अभी ना भाई एक सेकेंड, इनकी हरकतें मुझे अजीब सी लग रही है, फटाफट से काम करते गाइस। यार रुको यार, मुझे ना थोड़ा सा सामने जाकर देखना पड़ेगा कि आखिरकार ये क्या 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 कुछ चल रहा है भाई। अब इस भाई इसके हाथ में देखो क्या है भाई, ये तो गुलाब का फूल लेकर भाई क्या रोज क्या कर रही है बंदा। अबे बुड्ढे कहीं का यार गाइस, इस बुड्ढे के हाथ में देख रहे हो भाई एक रोज पड़ा हुआ है भाई, कहीं ये मतलब तो नहीं है ना भाई अमांडा माइकल के साथ चीट कर रही है भाई? क्या क्या चल रहा है भाई इनके बीच? भाई मैं बहुत टाइम बाद घर पे लौटा, आपको याद होगा भाई कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। और ये अमांडा भाई सब माइकल को छोड़ करके ये बुड्ढे के साथ, एक सेकंड जी, दोनों ना भाई काफी लड़ रहे हैं मतलब किसी बात पे। यार गाइस एक सेकंड, ये तो भाई कुछ अलग ही लेवल पे जा चुका है भाई, रोज के बाद ये बंदा टेडी दे रहा है, तेरी भैंस की टांग ये बुड्ढा। ओ भाई अमांडा ने क्या मस्त बजाई है, मतलब यार कम से कम अमांडा ने माइकल पर चीट तो नहीं कर रही है ना, और ये बुड्ढा मेरे यहाँ तो बचेगा नहीं यार। ये माइकल जब घर पे नहीं था, ये भाई आकर के अमांडा को छेड़ता है। ओ भाई, तो भाई देखो ये बुड्ढा कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन आकर ना भाई ये अमांडा को छेड़ रहा था, और एक चमेट में ना सीधा अमांडा को बेहोश कर दिया। भाई देखो मेरे को आ चुका है गुस्सा, मैंने निकाला भाई पिस्तल। और एक सेकंड, ओ भाई एक सेकंड, जिम्मी बाहर आ चुका है भाई, ये जिम्मी को मार रहा है, तेरी भैंस की टांग, अब ये जाएगा, अब ये मरेगा, तेरी ऐसी कैसी, निकल निकल मेरे घर से निकल। भाई जिम्मी को भी एक रख के बचा दे रहे पट यार गाइस, एक सेकंड भाई, ये बुड्ढा गई का मेरे घर पे आकर के अमांडा को छेड़ेगा, माइकल की वाइफ को छेड़ेगा। रुको रुको, दो चार मैंने रख के बचाई है, और गाड़ी के अंदर बैठ करके भाग रहा है साला, ये छपरी गई का, इसको छोड़ूंगा नहीं भाई, पता नहीं कौन है बुड्ढा गई का। भाई मैं कब से घर पे नहीं था, कब से आकर के अमांडा को परेशान कर रहा है भाई ये बंदा। बट हाँ अभी ना भाई जिम्मी को भी भाई सुला दे इस बंदे ने एक डंडे मार करके, और अमांडा को एक रैपट बजा कर। फिलहाल देखो वो ना उधर की तरफ जा रहा है, बस इससे नजर ही नहीं हटाना भाई, वरना ये बंदा अचानक से गायब हो जाएगा। फिलहाल इसको पता चल चुका है कि भाई माइकल घर पे आ चुका है ना, तो हो सकता है ये बंदा ने इसकी पड़ गई, तो ये डर करके भाग रहा है बुड्ढा कहीं का। रुको इसको तो मैं छोड़ूंगा ना भाई, ऐसी सजा दूंगा ना भाई, कभी ना आज के बाद ना किसी भी लड़की पे ना आंख उठा के देखेगा निकाला। रुको रुको, मेरे ख्याल से ना इस साइड की तरफ गया है, हाँ इसी साइड की तरफ तो गया है, बट एक सेकंड ये जा रहा है छपरी कहीं का। चलो भाई जिसके ना भाई जो लाइटिंग आरजीबी टाइप चल रही है ना गाड़ियों में लाइट, उसी की वजह से मेरे को दूर से ही पता चल जाता है। चलो कोई ना, अबे हटे जा भैया प्लीज भाई, अपनी गाड़ी कैसी तैसी हो रही इसको पकड़ने के चक्कर में, और ये बुड्ढा देखो कैसे चला रहा भाई। एक सेकंड भाई मेरे, ओ भाई यार ड्रिफ्ट मारने के चक्कर में ना गंदी वाली सीन कर दी, बट हाँ गाड़ी मैंने ऐसे संभाल लिया, टक्कर होने नहीं दिया। बट देखो बंदा कहाँ कहाँ चला रहा है, अच्छा बेटा मेरे सोच यार ही, मतलब देख रहे हो पतली पतली गलियों में से निकालना चाहता है। बट यार मैं ना इसको जल्दी जल्दी में पकड़ने के चक्कर में ना कुछ ज़्यादा गलत सीन कर रहा हूँ। रुक जा बेटे, रुक जा, छपरी कहेगा तेरे को लाइटों वाली कार चलवाता हूँ, रुक जा। रुको भाई कहाँ तक जाएगा ये भाई, कैसे पूरा मतलब वॉल को तोड़ते हुए जा रहा है ये बुड्ढा कहीं का। भाई साहब
साला इस उम्र में जा करके भाई वो भी एक शादीशुदा औरत को छेड़ता है। चलो गाइस यार कोई ना, अभी ना मैं पूरा फुल फास्ट कर चुका हूँ और अब तो भाई मस्त वाली रोड आ चुकी है, मतलब यहाँ पर इसको पकड़ पाना। ओ नहीं 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 तेरी भैंस की टांग यार, मुझे लगा ना ये बंदा यहाँ से कट मारेगा, तो इसी वजह से मैंने पहले ही कट मार के ना यहाँ पर आकर के टक्कर में जा दिया। बट कोई ना, ये ना भाई इसको चलाने नहीं आ रहा भाई, ये ना अपने मौत को सामने देख कर ना ऐसे थर थर कांप रहा है ना भाई, इससे ना हैंडलिंग भी संभल ले रही है। देखो कहाँ जाकर के टक्कर मार रहा है, रुक जा छपरी गई का तेरे को बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है। इसके टायर फोड़ गया, लेकिन टायर फोड़ने से कोई फायदा नहीं है, इसके टायर में मैं निशाना लगा नहीं पाऊंगा इतनी आसानी से, क्योंकि भाई स्पीड काफ़ी चल रहा है और भाई इस हिसाब से ये डर रहा है ना भाई, देखो कहाँ कहाँ ले जाकर टक्कर मार रहा है बंदा, मतलब ये माइकल से कुछ ज़्यादा डर चुका है अपने मौत को सामने देख करके। और भाई वो देखो कहाँ जाकर गिरा भाई ये, वेट ऐसी की तैसी सीधा पानी के अंदर जाकर गिरा है। बट अभी ना फटाफट से गाइस एक काम करते हैं, गाड़ी को ना यहाँ पर खड़ा करते हैं और जाकर ना इसके बैंड बजाते हैं। AK-47 है ना मेरे पास, हाँ AK-47 तो है, वो पानी के अंदर चला गया। रुको 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 रुको, मेरे को जाकर देखनी चाहिए क्या भाई बंदा, अबे यार सर के बल क्या गिरा हूँ मैं। बट कोई ना, रुको 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 एक सेकेंड गाइस, बंदा ना यहीं पर भाई आई थिंक ना पानी के अंदर डूब करके मर गया। और अरे नहीं नहीं बुढ़ा कहीं का चलाक है भाई एक नंबर का, रुको 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 इसको छोड़ूंगा ना भाई। ऑल राइट गाइस चलो ठीक है, गाड़ी के अंदर मैं वापस से बैठ चुका हूँ भाई, मेरे को लग रहा है ना कि ये बंदा ना कहीं आगे जाकर ना कहीं रोड में से तो निकला होगा, तो हाँ ऐसे कुछ। ओ भाई वो देखो कितना तेज भग रहा है, आ रहा हूँ बेटे आ रहा हूँ, तेरा तो भाई तेरा मौत पीछे सामने है, तेरे को दिखाने दे रहा ना। कोई ना कोई ना, मेरे पास पिस्तौल भी है गाइस, आज ना इसकी सर फोड़ देंगे भाई, खोपड़ी फोड़ देंगे साले की। बाकी यार क्या मस्टैंग चली यार, मतलब इस बार तो खतरनाक वाली ड्रिफ्ट बजाई मैंने। हाँ यार कोई ना, इस बच्चे को रुको 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 छपरी कहीं का गंदी वाली मैंने टक्कर मारी है और भाई भाई खुद भी टक्कर खा गया। बट कोई ना, जा कहाँ रहा है बे, जा कहाँ रहा है, इधर ही रुक भाई, इसकी गाड़ी देखो कितना हल्का है भाई। भाई कैसे इसको टक्कर मार रहा हूँ, कहाँ कहाँ जाके ये देखो भाई उछल गई भाई। यार बहुत बेकार सी गाड़ी नहीं ले आ रखा भाई तू, मतलब यार अपनी मस्टैंग कितना पावरफुल है भाई, इसको एक टक्कर मार रहा हूँ कैसे हवा में उड़ रहा है। रुको रुको अब ना मेरे को पता चल चुका है भाई, देखो अब ना अपनी मस्टैंग कैसी तैसे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको मैं मारूंगा टक्कर। ओ भाई बच गया सारा, कोई ना इसके टायर फोड़ता हूँ भाई, बच गया सारा। रुको 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 ये कहाँ जा रहा है भाई, इसको ना बुड्ढे को चलाने नहीं आ रहा भाई, या तो ये भाई मेरे को देखकर बहुत ज़्यादा कांप रहा होगा इसलिए हैंडलिंग इसको आ नहीं रही चलाना सही से, मोड़ नहीं पा रहा। हाँ यार ऐसे होगा भाई, क्योंकि इसको ही पता है माइकल क्या चीज़ है। फिर भी क्या जिसकी ना हिम्मत की दांत देनी पड़ेगी भाई, सीधा ना माइकल के घर पर चला गया अमांडा को छेड़ने के लिए, जबकि भाई इसको पता है कि माइकल क्या चीज़ है। कोई ना बेटे आज के बाद ना तू ऐसी हिम्मत करेगा नहीं, क्योंकि तू मर जाएगा। अरे रे रे नहीं 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 अपनी गाड़ी कैसी तैसी हो रही है, इसको ना पकड़ना पड़ेगा भाई ऐसे, ये ना कुछ ज़्यादा भग रहा है, इसका टायर फोड़ता पहले ये ले बेटे, इसको ना फायर करते हो ताकि ना ये और ज़्यादा कांपे भाई थोड़ा। ओ भाई क्या टक्कर मारी मैंने, और ये जा करके गंदी वाली रोड पर एक्सीडेंट हुआ इसका। अब ना भाई इसको उठने नहीं देना भाई, फटाफट इसको उठा के फेंक देते हैं पानी के अंदर, मैंने भी कुदा लिया भाई इसको देखते देखते। चलो कोई ना ये जा रहा है, अरे नहीं नहीं भाई अपनी मस्टैंग आ करके यहाँ पर फंस चुकी है भैया, नहीं नहीं प्लीज़ नहीं, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है भैया। तेरी ऐसी कैसी ये बंदा भी निकल गया, बुढ़ा गाई का जान तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा यार। बट कोई ना गाइस कब तक बचेगा मेरे हाथ, आज ना कल सॉरी आज ही मरेगा, कल नहीं भाई आज ही इसको मारेंगे भाई, अपने घर पर आकर के अमांडा को जो छेड़ा ना भाई। माइकल हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन ये चीज़ नहीं। रुक जा बेटे तू तो भाई चारों तरफ से ना घिर चुका है, अब तू जाएगा तो जाएगा किधर, जहाँ पर आकर के रुक जा भाई, पूरा ना ब्लैक टिंटेड करा रखा है भाई, शीशा वीशा पूरा काला करवा रखा है। चलो कोई ना, कौन है कहाँ से आया क्यों आया है और क्यों है ये इस दुनिया में मुझे यही नहीं पता, बट इसने जो हरकतें करी ना ये मुझे पता चल चुका है, ये मुझे पता है भाई इसको छोड़ेगा ना, बस ये मुझे पता है। चलो कोई ना, अपनी मस्टैंग में कुछ कम नहीं भाई, कहीं भी चल जाती है भले भाई इसकी ना हालत ख़राब हो रखी है। ऑल राइट गाइस चलो, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो पूरे फुल स्पीड भगाता भगाता ना भाई इसका पीछा करते करते कहाँ कहाँ आ गया मैं, और ये भाई सब कहाँ जा करके भिड़ रहा है भाई, प्लीज़ रुक जा मर जा मेरे यहाँ तो, मर जा तू की टांग, ये पड़ा भाई रुको इसकी ना गाड़ी फंसी है भाई यार, रुक जा कहाँ जाएगा तू, जाएगा किधर भाई ये रुको ये बंदा ने नीचे उतर चुका है इसकी गाड़ी में ना भाई, टायर वायर फटे लगता है, चल नीचे उतर। ओ भाई क्या गिरा है बंदा, उठ कहाँ रहा है भाई। चलो गाइस ठीक है भाई ना भाई, इस बुड्ढे को हमने पकड़ लिया भाई, ये मेरे को बोल रहा है यार प्लीज़ मेरा माइकल माफ़ कर दो, आज के बाद ना कभी अमांडा की तरफ ना आँखें उठाकर भी नहीं देखूंगा, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ क्यों करूं भाई। तो यार गाइस देखो अभी ना ये बुड्ढा मेरे को बोल रहा है यार देखो मेरे ना ये जी वैगन रख लो भाई, बहुत खतरनाक गाड़ी, लाइटिंग वाइटिंग देखो कितने प्यारे हैं। अबे छपरी कहीं का, ऐसे बेकार वाली गाड़ी ना मैं नहीं रखता भाई, ऐसे क्या यार ये गाड़ी है कोई। ओ भाई एक सेकंड ये कौन बंदा आया भाई, इसकी वेट भाई इसके पीछे क्या लटका रखा है भाई, कितना औसम लग रहा है भाई गाइस, और ये बंदा कहाँ से टपक गया भाई,
क्या अजीब अजीब सी चीजें, रुको रुको रुको, ये बंदा बुढ़ा भगना नहीं चाहिए, फटाफट ने इसको रख कर एक बजा दे, तेरी भैंस की टांग, तू मेरे हाथ से मरेगा, बहुत गलत वाला, रुक जा, लेट्स गो गाइस। ओके चलो गाइस ठीक है, बुढ़े को मैंने बेहोश कर लिया भाई, इसको ना बहुत गंदी मौत मारेंगे भाई, वो भी ना अमांडा और जिम्मी के सामने। फिलहाल जाकर उनसे पूरी, भाई एक सेकेंड, ये बंदा क्या पूछ रहा है भाई, ये मेरे को बोल रहा है ये तुम्हारी गाड़ी है, हाँ भाई अब तो भाई ये गाड़ी मेरी हुई, हाँ भाई ये गाड़ी ना बिल्कुल मेरी है भाई। ओ वेट भाई, ये हंस रहा है मेरे पैर यार, कैसे ये बंदा बोल रहा है यार माइकल तुम कितने छपरी हो भाई, ऐसे बेकार वाली गाड़ी कैसे लेके घूम सकते हो तुम, ये क्या कह रहा है भाई, कैसे यार किस एंगल से तेरे को बेकार लग रही है भाई, ये ना अजीब टाइप के लाइटिंग वाइटिंग टायर रिम वगैरह में ना भाई, इसलिए बोल रहा होगा। तो यार गाइस ये बंदा ना भाई मेरे को चिढ़ा रहा भाई, देख रहा हूँ ये बोल रहा ना ये है सभी गाड़ियों का बाप रोल्स रॉयस, और वो भी भाई खतरनाक वाली, भाई देख रहे हो मतलब क्या कुछ लगा रखा है बंदे ने, क्या है मॉडिफिकेशन करा रखा है, पीछे देखो एक ड्रैगन है, नीचे एकदम मतलब क्या फोलो वाली क्या क्या चीज़ें लगवा रखा है, और ये ना भाई अपने कुछ चिढ़ा रहा है कि यार देख ऐसी गाड़ी लिया करो एकदम खतरनाक रॉयल वाली, क्या बेकार बेकार से गाड़ियों में घूमती, इतनी बड़ी डीलरशिप चलाते हो, और एक सेकंड अबे वो मारूंगा तेरी भैंस के टांग, गाड़ी मेरी है तेरे को क्या दिक्कत है, निकल यहाँ से, बच जा यहाँ से, भाई सब अपनी रोल्स रॉयस फ्लेक्स करने भाई, दिखाने अपने रोल्स रॉयस को, यार गाइस बंदा ना पूरा फुल मजाक बना दिया भाई अपना, रोल्स रॉयस ला करके भाई क्या है मस्त मजाक बनाया अपना। वैसे गाइस देखो गाड़ी का ऑनर मरने वाला है, मैं चाहूँ तो गाड़ी को रख सकता हूँ, लेकिन यार ऐसी गाड़ी ना सिर्फ और सिर्फ छपरी लोगों को ही अच्छी लगती है यार, अपने लिए सूट नहीं करेगी भाई। देखो लिबर्ट सिटी में जो गाड़ियाँ देखी थी ना भाई, क्या बढ़िया बढ़िया गाड़ी थी यार, मतलब अंडरग्राउंड जगह पर भाई, उन्हीं में से कोई लाएंगे भाई, ऐसे बेकार थे ना गाड़ी रखने वाली मैं भाई, रखने वाला भाई, क्योंकि देखो यार पूरा ना लाइटिंग वाइटिंग बेकार सा नहीं लगता यार, अपनी मस्टैंग देखो यार क्या खतरनाक गाड़ी है। चल मेरे पास ना एक मस्त आइडिया है, वैसे गाइस अभी आप लोग सोच रहे थे यार मैं सोच क्या रहा हूँ भाई, देखो अभी अपने मस्टैंग का पूरा फुल पावर यूज करके ना तो ऐसा धक्का मारूंगा ना, ये गाड़ी निकलने वाला है यहाँ से बहुत दूर भाई, सब क्या लगी है भाई गाड़ी की, भाई ब्लास्ट हो गई, तो क्या गाड़ी थी ये भाई, अंदर का सारा सामान गायब भाई, ये बच्चों वाली गाड़ी मतलब बच्चों खेलने वाली चीज थी क्या भाई, अंदर का सारा चीज भाई कहाँ यार भाई, पूरा बर्बाद होगी गाड़ी। फिलहाल इसके ना अंदर फिलहाल गाइस इसकी ना इंजन बहुत ख़राब थी भाई, अगर भाई गलती से हम लोग इसको रख भी लेते ना भाई, देखो पूरी आग लग गई है। हाँ यार अच्छा हो भाई मैंने इसके कहने पर ना भाई ये गाड़ी रख कर इसको छोड़ा नहीं, वरना भाई ये बंदा तो मेरे को मरवा ही देता भाई, अपने दुश्मन अटैक करता और भाई ख़त्म गाड़ी। बट चलो ठीक है अभी फटाफट इसको हम लोग उठा कर यहाँ से चलते हैं। चलो गाइस ठीक है अभी मैंने इसको उठा लिया है, और भाई देखो इसको ना ले जाकर ऐसी मौत मारूंगा ना भाई, और इसका फोटो क्लिक करके अमांडा को सेंड करके ना मैं खुश करने वाला हूँ अमांडा को। लेट्स गो फटाफट हम लोग इसको बैठाते हैं और यहाँ से हम लोग निकलते इस वाले मस्टैंग को लेकर के, और कहाँ पे ले जाकर मारे यार, वैसे आसपास लोकल वाले जगह पर तो मारने नहीं है भाई, तो सीन हो गया ना पुलिस का तो दिक्कत हो जाएगा। वैसे गाइस यार मुझे क्या लगता है ना ये बंदा भाई साहब पागल हो गया है, मतलब देखो यार उम्र में कितना बड़ा है बुढ़ा सा है, और अपने मतलब बेटी की उम्र के लड़की को आकर के छेड़ता है, और मतलब बच्चों वाली टाइप की गाड़ियों रखता है, गाड़ियाँ भी रखता है, हाँ यार मतलब बोल सकते हैं इसका दिमाग पक्का ना खराब ही होगा भाई। चलो गाइस ठीक है फटाफट इसको हम लोग लेकर चलते हैं माउंटेन पर भाई, इसको ना खत्म करते भाई, वैसे भी ये दुनिया में ना जीकर कुछ उखाड़ने नहीं वाला, इसको हम लोग ऊपर ही पहुंचा देते हैं। चलो गाइस ठीक है भाई, इस वक्त इस छपरी बुड्ढे को लेकर मैं फाइनली आ चुका एक सुनसान जगह पर इसको खत्म करने के लिए, और आज ना भाई इसकी बैंड बजने वाली है। फिलहाल देखो यार इसने ना माइकल की वाइफ को छेड़कर ना बहुत बड़ी गलती तो करी है, और इसके सजा इसकी इसको सिर्फ और सिर्फ मौत मिलने वाली है, और आई थिंक ना गाइस ये जगह बिल्कुल सही रहेगा, फिलहाल ना ये जगह बिल्कुल सन्नाटा सा है, तो यहीं पर ना भाई हम लोग ने इसको कुचल देते हैं। एक काम करते हैं पहले गाड़ी को ना यहाँ पर हम लोग खड़ा करते हैं, और भाई चल बुड्ढे फटाफट से बाहर, भाई तू कूद गया था क्या भैंस की टांग, ये भगने के चक्कर में भाई ये पक्का, एक सेकेंड इसकी हालत देखो कैसे भाई ये एक्टिंग कर रहा है, उठ जा उठ जल्दी से साला पिटेगा तो बहुत गंदा वाला मेरे हाथों। तो यार गाइस इस वक्त भाई बुड्ढे को देखो भाई कैसे ना अपने मौत को सामने देख कर ना भाई हाथ जोड़ करके बैठ करके भाई अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है, बट भाई अब ना भाई इसको माफ़ करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। तो यार देखो इसको मैं छोड़ने नहीं वाला भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, जी जितना भी माफ़ी मांग ले भाई, इसने अपने घर पर आकर के अपनी मतलब माइकल की वाइफ को छेड़ने की कैसे हिम्मत करी है। बेटे चल रेडी हो जाओ, एक सेकेंड तेरी भैंस के टांग ये क्या हुआ, अबे यहाँ पर तो कोई भी नहीं था ना भाई, इतना सन्नाट, तेरी भैंस के टांग बुड्ढे कहीं का भाग कहाँ रहा है, रुको यार ये पिटेगा मेरे हाथ से भाई, रुको यहाँ पर बहुत सारे बंदे आ गए भाई, रुको कहीं इसके बंदे तो नहीं है ना, बट नहीं यार इसके बंदे यहाँ पर कैसे आएंगे, ये भी तो एक बात है ना, वो बुढ़ा कहीं का पता नहीं कहाँ भग रहा है यार। गाइस रुको यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं फंस चुका हूँ भाई, यहाँ पर ना कुछ ज्यादा बंदे एक साथ आ गए, रुको 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 मैं ना यहाँ पर पहले जा करके छुपता हूँ, रुको यार गाइस अब ना इनको एक एक करके बजाते हैं, ये आ रहा तेरी ऐसे के तैसे निकल यहाँ से भाई 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 भाई। तो यार गाइस इस वक्त ये बुढ़ा भाई यहाँ से निकल रहा है भाई, पता नहीं कहाँ भग गया, बट अभी देखो यहाँ पर ना तेरी भैंस की टांग निकल यहाँ से, वो भाई साहब अभी निकल, मुझे लगता है ना अपनी फ्रेंड वगैरह को बुलाना पड़ेगा भाई हेल्प के लिए, निकल साले भाई यहाँ पर इतने सारे बंदे कहाँ से टपक गए,
भाई कहीं इसने रास्ते में से कॉल वॉल तो नहीं कर दिया ना भाई, इसका फोन वगैरह भी मैं छीना नहीं था भाई, कोई गारंटी नहीं है भाई। यहाँ पर इतने सारे बंदे एक साथ आ रहे ना, बट कोई ना इनके सर फोड़ते हैं। और अभी ना भाई बुड्ढे को मैं छोड़ूंगा ना चाहे जो कुछ बोझा मर जा साले। लेट्स गो, ये भी गया और ये खत्म। चलो भाई सब ठीक है, इस वक्त तो काफी बंदों को मैंने मार दिया है। और यहाँ पर अभी मैंने भाई चारों तरफ से मेरे को आकर के घेर रखा है बंदों ने। फिलहाल रुको, मैं इतनी आसानी से रुकने वाला, फटाफट ना यहाँ पर जाकर कवर लेते हैं और यहाँ पर छुपते हैं। एक सेकंड, ये गया बेटा भाई, कट्टा निकालता भाई, इससे लड़ना काफी आसान हो जाएगा। यहाँ पर बैठते हैं और अब ना भाई इनकी एक एक करके बैंड हो जाते हैं। ये गया, चलो भाई सब ठीक है। यहाँ पर ना काफी सारे बंदों को मैंने डाउन कर दिया है और एक लास्ट बचा हुआ है। लेट्स गो, ये भी खत्म। बट यार वो जो बुड्ढा था वो कहाँ भग गया यार, उसको ढूंढना मेन मेरे को जरूरी है। एक सेकेंड, निकल साले, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। चलो भाई सब ठीक है, यहाँ पर मैंने काफी सारे बंदों को मैंने डाउन कर दिया है। बट अभी जो बंदा है ना, बुड्ढा है ना, वो पता नहीं गाइस यहीं कहीं पर भगा होगा और भाई उसको पकड़ना बहुत जरूरी है यार। एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर कोई गार्ड, यहाँ पर से गाइस कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं लेके गया, मतलब ये ना यहीं कहीं पर भाई छुपा होगा। और एक सेकेंड भाई, ये ऊपर की तरफ जा रहे, वो देखो। एक सेकंड, मैं ना फटाफट ऊपर चलता हूँ भाई। चलो भाई सब ठीक है, अभी ना भगता भगता मैं ऊपर भी आ चुका हूँ। और अभी ना भाई जो बुड्ढा था ना, वो इसी की तरफ गया है भाई। यहाँ पर ना जो बंदे बंदे ना, मुझे लगता है कोई इलीगल काम कर रहे थे, कोई डील वील कर रहे होंगे। और इसी बीच में आकर के यहाँ पर कांड कर रहा हूँ। अबे बुड्ढे कहीं का रुक रहा है कि नहीं, रुक रहा है कि नहीं, अभी अभी पड़ेगा तेरे को, तेरी पैंस की टांग। भाई रुको यार, ये ना कुछ ज्यादा शैतानी कर रहा है भाई। ये ना अब इसकी ना मौत ना बहुत बुरी वाली होगी भाई। अगर ये भगता नहीं तो इसको माफ करने का मैं कुछ सोच सकता था, लेकिन अब ये बचेगा नहीं। पैरों में मारने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इसको ना खतरनाक वाली मौत मार सकूं। रुक जाओ, रुक जा भाई, तेरी ऐसी की तैसी भाई, रुको, स्टन गन है मेरे पास, तेरी ऐसी की तैसी मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे पीछे। चलो ठीक है, अभी ना भाई ये यहाँ पर आकर के कहाँ गया मुझे नहीं पता, बट एक सेकेंड भाई इधर भी नहीं आया भाई, कहाँ जा करके छुप गया यार। गाइस ये बुड्ढा कहीं का मेरे हाथ से निकल गया छपरी। ओ वेट, ऊपर क्या कर रहा है ये? गाइस एक सेकेंड भाई, सब ये ऊपर क्या करने गया है यार? गाइस मेरे को ना इसका इरादा बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है भाई साहब, खुद से मरना चाहता है क्या यार? गाइस कोई गारंटी नहीं है भाई। वेट 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 भाई, ये तो भाई यहाँ पर कूदने के लिए गया है। तो यार गाइस जब ना ये बंदा वहाँ से चिल्ला रहा है तुम्हारे हाथों मरने से अच्छा ना मैं यहाँ से खुद से कूद कर अपनी जान ले लूँगा। यार गाइस ये बंदा ऊपर जाकर भाई खुद की जान लेने की बात कर रहा है। अबे यार माफ़ किया तेरे को, नीचे आ जा चुपचाप। चलो मैं गन वन रखता हूँ, ये देखो भाई। यार बंदा ना रुको यार, इसको ना कुछ ट्रिक करके ना नीचे लाना पड़ेगा। चल इसको मैंने बोल तो दिया यार मैं माफ़ कर दूंगा, चलो कोई ना, इतनी सी गलती के लिए थोड़ी ना मैं तुम्हारा जान लूंगा। तो अभी देखो यार बंदा ना अगर नीचे आ गया तो ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, कूद कर मर भी सकता भाई। ये ना पागल सा हो गया है, और वैसे भी ये पागल है ही भाई, छपरी को जैसी तो हरकत ही इसकी है, और छपरी वाली गाड़ी भी चला रहा था भाई। नीचे आ जा यार, कुछ नहीं कर रहा तेरे को, मेरे पास गन भी नहीं अब तो। हाँ यार ये बंदा मेरे पे यकीन करेगा या फिर नहीं मुझे नहीं पता, मुझे खुद ही ऊपर जाना पड़ेगा लगता है। तो यार भाई अभी ना वो बुड्ढा ना ऊपर से चिल्ला रहा है भाई, तेरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, अगर तूने सच में मेरे को माफ़ करना एक बार ऊपर आ जा भाई। क्या ट्रिक लगा रहा है भाई ये बंदा, मेरे को ऊपर बुला रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है गाइस एक काम करते हैं ना, जाकर देखते हैं कि आखिरकार भाई ये मेरे को ऊपर क्यों बुला रहा है। मेरे को ऐसा लगता है ना भाई, ऊपर बुलाकर ना मेरे को धक्का उक्का मारना चाहता है। बट कोई ना भाई, इससे भाई 100 गुना चालाक तो मैं हूँ भाई, इसको मैं बताता हूँ बेटे को। रुक जा बेटे, मैं बोल रहा हूँ आराम से नीचे आ जा, लेकिन नहीं, इसको भाई शैतानी चढ़ी है। ठीक है फटाफट अभी ऊपर चलते हैं। चलो भाई सब ठीक है, यहाँ से ना एक जंप करना पड़ेगा मेरे को, और परफेक्ट, लेट्स गो। अभी ना भाई सांस, इसने मेरे को ऊपर आते हुए देखा भी नहीं है, बट क्या पता भाई वो कूद भी गया हो मेरे आने से पहले पहले। ओ नहीं ये रहा बंदा। तो यार भाई बंदा ने मेरे को बोला यार सॉरी यार माइकल, आज के बाद ना कभी मैं तुम्हारे घर पर नहीं जाऊंगा, तुम्हारी वाइफ को छेड़ूंगा ना, बट तेरी प्यास की टांग। वैसे गाइस यार बंदा ना भाग करके सबसे बड़ी भूल करी है, मतलब यार इसको भागना नहीं चाहिए था। लेकिन गाइस अब ना भाई बंदे पर मेरे को तरस आ रहा है भाई, इसको ना मारने का मन नहीं कर रहा है। तो अब इन गाइस मेरे पास एक और रास्ता है, एक काम करते हैं ना भाई, अमांडा को कॉल करते हैं और भाई अमांडा से पूछते हैं यार तुम्हें जो छेड़ रहा था ना उसको मैंने पकड़ लिया है, अब तुम बताओ इसके साथ क्या करना है। भाई अब तो भाई इसकी जिंदगी का और मौत का फैसला ना सिर्फ और सिर्फ अमांडा ही करेगी। चलो ठीक है, यहाँ से मुझे नीचे जाना पड़ेगा, और आई थिंक ना यहाँ से अगर जंप किया ना तो मैं आराम से नीचे जा सकता हूँ। लेट्स गो भाई, इसको नीचे लेकर आना कितना मुश्किल हो रहा है गाइस। यहाँ से ना एक जंप और करना पड़ेगा, लेट्स गो, इजीली हो गया। और यहाँ से रास्ता है नीचे जाने का। चलो भाई ठीक है, फटाफट ना अमांडा को कॉल करते हैं और भाई उसी से पूछते हैं। तो चलो भाई सब ठीक है, फटाफट ना अमांडा को कॉल लगाते हैं और भाई इसकी जिंदगी और मौत का फैसला ना अब सिर्फ और सिर्फ माइकल की वाइफ अमांडा करेगी। ओके गाइस चलो ठीक है भाई, अभी ना भाई इसका फोटो क्लिक करके अटैच करके अमांडा को सेंड किया, और मैंने पूछा कि यार देखो तुम्हें जो छेड़ रहा था ना उसको मैंने पकड़ लिया है, अब तुम डिसाइड करो क्या करना है। तो अभी ना भाई अमांडा का मैसेज आया है, और भाई एक सेकंड, माइकल मार दे इस बुड्ढे छपरी को भाई। एक सेकंड, 100 साल का होकर 5 साल के बच्चे जैसी हरकतें करता है वो भाई साहब, लगता है ना गाइस भाई अमांडा को कुछ ज़्यादा इसने छेड़ दिया है भाई। मैं घर पे नहीं था भाई, ये पता नहीं कब से घर पे जा करके ना अमांडा को भाई ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा था। और एक सेकंड, एक और मैसेज किया है अमांडा ने, और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है पिछले 1 हफ्ते से। ओ भाई साहब, घर जा करके टेडी रोज ये सब देना, तेरी प्यास की टांग। अब भाई तेरे को ना माफ़ करने का ना
कोई एक सेकंड, एक और मैसेज आया, इसने जिम्मी को भी मारा, मार दे साले को। भाई देखो यार, कभी भी ना अमांडा किसी को ना मारने के भाई मतलब बोलती नहीं है, और जब भी मैं ऐसे क्राइम करता हूँ ना वो मेरे को घर से निकाल देती है। बट इस बार ना भाई, अगर इस बुड्ढे को मारने की बात कर रही है ना, मतलब यार इसने, चलो भाई ठीक है, अब तो भाई अमांडा ने फैसला कर दिया भाई, इसके मौत मिलनी है, तो भाई इसको माफ़ करने का ना कोई, एक सेकंड एक और मैसेज आया, और भाई वो बोल रही ना, अगर इसको जिंदा छोड़ा ना तेरे को घर नहीं घुसने दूंगी। और क्या, जिस वक्त भाई अमांडा बोल रही है मार दे माइकल इसको, इसकी लाश को टाइगर को डाल देना, ये क्या बोल रही है। चलो भाई सब ठीक है, कोई ना बैठे, अब तो तेरे को कोई बचाएगा नहीं भाई, इसको ना कुछ खतरनाक मौत देनी पड़ेगी भाई। रुको। ऑल राइट गाइस, तो चलो भाई सब, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो भाई, इसको ना भाई अमांडा ने बोली भाई कि गंदी मौत माना, तड़पा तड़पा के मारना, तो भाई मैंने इसको ना क्या किया, हेलीकॉप्टर में लटका लिया। और भाई इस बंदे ने अपनी हेल्प करी थी, और ये बंदा कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये यहीं पर भाई टपक गया अचानक से। बाकी चलो ठीक है, इसको मैंने भाई बांध करना पूरा हेलीकॉप्टर में लटका रखा है, और इसको मारने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, ऊपर ले जाकर भाई हम लोग हेलीकॉप्टर समय जंप कर जाएंगे पैराशूट लेकर के। लेकिन इससे भी बुरी मौत मारे क्या भाई, इससे बुरी मौत क्या हो सकती है भाई, ये गिरता हुआ भाई एक एक सेकंड ना अपने आप को भाई मरता हुआ दिखेगा, मौत को नजदीक से देख लेगा, तो भाई मजा आएगा भाई, इसको ना नेक्स्ट लेवल तरीके से मारेंगे हम लोग। फटाफट ना हेलीकॉप्टर को ना जितना ऊपर जाता है उतना ऊपर लेकर चलते हैं। चलो भाई सब ठीक है, इसको ना मारने से पहले ना, मौत देने से पहले ना भाई, इसको ना थोड़ा सा ना हवा में उड़ाते हैं भाई, इसको मजे दिलाते हैं भाई, इसको भी ना काफी भाई चिल्ला तो रहा है, बट भाई साहब बंदा कर भी तो कुछ नहीं सकता ना, मैंने इसके साथ जो हरकतें करी ना भाई, ये बंदा ना मरने के बाद भी आई थिंक याद रखेगा यार, बहुत बुरा सीन कर दिया मैंने इसके साथ। देखो यार, अपने अपने जितने भी दुश्मन हो गए भाई, इसको ना ऐसी खतरनाक तड़पा वाले तड़पा के ना मारेंगे भाई, ड्रग माफिया को ना भाई ऐसे मेरे को मारना था, लेकिन चलो कोई ना, अब तो भाई बंदा मर चुका है तो यार क्या ही कर सकते हैं। लेकिन कोई ना भाई, ये जो हरकतें करी ना, ये भाई उससे भी ज़्यादा बड़ी हरकत करी भाई, अपने घर पर जाकर भाई माइकल की वाइफ को छेड़ दिया इसने। चलो कोई ना, अभी मैं इसको लेकर आ चुका हूँ माउंट चिलियट पर भाई, इतनी ऊंचाई पर इसको उड़ाना और भाई उल्टा लटका करके, भाई बंदा भी ना कसम से रो रहा होगा भाई, देखो कैसे तड़प रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है भाई। बट कोई ना बेटे, तेरे को आज नहीं, इधर बचाने के लिए कोई आने नहीं वाला। फटाफट गाइस हम लोग इसको नीचे उतारते हो भाई, रुको, आराम से फटाफट हम लोग इसको नीचे फेंकते हैं, और अभी हम लोग हेलीकॉप्टर को लैंड कराते हैं। ऑल राइट, तो चलो भाई ठीक है, बंदे को ना भाई इतना हवा का सैर कराया ना भाई, बंदा सीधा बेहोश हो गया, और भाई इसकी ना सांसें वांसें तो चल रही है, बट ये होश में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको ना फटाफट हम लोग उठाते हैं और लेकर चलते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, मतलब यहाँ से ना माउंट चिले सब लोग ना सीधा नीचे धक्का देकर ना इसको बहुत बुरी मौत मारने वाले हैं। चलो भाई सब ठीक है, फटाफट इसको ना थोड़ा सा नीचे लेकर के चलते हैं। और भाई जब मैं यहाँ पर आया था ना भाई एक बार, तो मैंने यही जगह तो मैं ढूंढ रहा था भाई, ये डेंजर वाला जोन भाई, ये ना काफ़ी खतरनाक जगह भाई, यहाँ से अगर हम लोग किसी को धक्का मारेंगे ना तो भाई बहुत बुरी वाली मौत मरेगा, मतलब नीचे गुड़कता ना भाई कहाँ जाकर गिरेगा ना भाई ये बंदा भी ना, वैसे भाई ये तो बेहोश पड़ा भाई, इसको क्या ही पता चलेगा, बट बंदा मरेगा यार। चलो कोई ना, हम लोग इसको यहाँ पर खड़ा करते हैं और भाई हेडशॉट बजाकर इसको खत्म कर देते हैं। ओके गाइस, तो अभी ना भाई बुड्ढा भी ना हैरान हो चुका है अपने आप को ना अचानक यहाँ देख करके, और अभी ना भाई हम पेट्रोल डालना इस पे शुरू करते हैं और इसको भाई चला करके खत्म करते हैं। ओके गाइस, चलो ठीक है भाई, इस वक्त पूरा यहाँ पर ना फ्यूल ही फ्यूल मैंने यहाँ पर फेंक दिया है, मतलब देखो पूरा ना जगह भाई भीग चुकी है, और वक्त आ चुका है इसको जला करके मारने का। ओके गाइस, चलो ठीक है भाई, इधर पूरा मैंने पेट्रोल वगैरह छिलक दिया है, बाकी अब ना भाई वक्त आ चुका है इसको खत्म करने का। 3, 2, 1 भाई भाई बेटे, और इस वक्त गाइस आग लग चुकी है और बंदा अब यहाँ पर जल चुका है, और भाई क्या बुरी मौत मारा यार। नीचे जाकर थोड़ा देखते हैं हम लोग, भाई तड़पते हुए नीचे जा रहा है भाई, इस पर भी ना मेरे को रहम आने लगा, बट बंदा भाई जल करके ख़त्म हो चुका है। ऑल राइट गाइस, इसी के साथ ना बंदे को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। वेट, अभी ये कौन है निप्पा कहीं का भाई, यहाँ पर आकर के वीडियो बना रहा है, तेरी भैंस के टांगे कब से था इधर, रुको, पड़ेगा बेटे को भाई, एक तो पड़ी है शायद से, लेकिन नहीं, ये कहाँ गया। ओ वेट भाई, रुक जा यार, कैमरा भाई रिकॉर्ड करके कहाँ भाग रहा भाई उड़ाते हुए, भैंस की टांग भाई, ये बंदा कब से था भाई इधर, मैं आया तो भाई सन्नाटा था पूरा भाई, ये बंदा पता नहीं यहाँ पर भाई कुछ व्यू वगैरह रिकॉर्ड करने आया होगा, मज़े लेने आया होगा, घूमने आया होगा, और ये बंदा रिकॉर्ड करके यहाँ से भग गया यार। गाइस अगर ये जा करके ना पुलिस वालों को फुटेज दे दिया ना भाई, तो अपनी भाई ज़िंदगी ख़त्म। रुको यार भाई, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यार ये गंदी मौत देने के चक्कर भाई, अमांडा के कहने पर यार वहीं पर मार करना इनको ख़त्म करना था, बट देखो यार अभी ये बंदा रिकॉर्ड करके कहाँ गया भाई, इसको ना हेलीकॉप्टर में से ढूंढ रहा भाई ऊपर आकर के, बट देखो बाइक लेकर ना सीधा नीचे की तरफ गया होगा। अब भाई देखो अगर ये पकड़ा गया ना तो भाई इसको भी मौत मारेंगे इसी तरीके से जला करके, बट दूर दूर तक ना बंदा मेरे को दिख नहीं रहा भाई, मेरे हेलीकॉप्टर वगैरह में बैठते हैं और स्टार्ट करते ना भाई, ये बंदा कुदाते ऐसे निकल गया होगा ना भाई, मैं क्या करूँ अब। चलो यार देखा जाएगा बाद में, लेकिन यार बस मेरे को ना यही डर है ना, ये बंदा जा करके पुलिस वालों को ये फुटेज ना दे दे। और भाई ये बंदा वहाँ पर टपका कैसे करके आ रहा था मुझे यही नहीं पता। चलो ठीक है, वापस से मैं आ चुका हूँ अपने मस्टैंग के पास,
पर अभी ना भाई जल्दी से मस्टैंग को लेकर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। हाँ यार एक कांड की, हाँ यार एक कांड तो क्या, लेकिन भाई एक कांड में हम लोग फंस भी गए। चलो कोई ना, जल्दी से हम लोग हेलीकॉप्टर को यहाँ पर लैंड कराते हैं और मस्टैंग को लेकर चलते हैं। ओके गाइस चलो ठीक है, यहाँ पर परफेक्ट वाली लैंडिंग हो चुकी है अपनी। और अभी ना भाई एक बार ना काम करते हैं, मस्टैंग में बैठते भाई जाकर ना रोड के साइड देखते भाई, अगर बंदा यहाँ पर मिल गया ना भाई रास्ते में जाते हुए ना, तो उसको ऐसे पटक पटक के मारेंगे ना भाई, वो भी सोचेगा भाई किससे पंगा ले लिया। लेकिन यार देखो इतना बड़ा क्राइम करके मैंने इस पर पिस्तल भी चलाया, तो भाई बंदा ना भाई इतनी आसानी से ना रुक नहीं वाला भाई, वो जाकर कहीं छुप गया होगा और अब तो भाई इसको पकड़ पा रहा नामुमकिन है। वैसे क्या यार दूर दूर तक ना वो बंदा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा भाई, काफ़ी फास्ट अपने मस्टैंग को मैं भगा रहा हूँ। और देखो यार अगर ना वो माउंटेन से नीचे आया ना तो इतनी जल्दी भाई नीचे नहीं आएगा भाई, मैं तो हेलीकॉप्टर से आया ना इसलिए इतनी जल्दी आ गया, तो हो सकता है वो भाई कहीं पर छुपा पड़ा होगा रॉक वॉक के पीछे। यार भाई बहुत बुरा फंस चुका हूँ। और एक सेकंड का जर ना एक पुलिस स्टेशन होती है भाई, एक बार ना यहाँ पर जाकर देखते हैं भाई, अगर वो बंदा यहाँ पर हुआ ना तो समझ लूँगा कि यार वो बंदा इधर ही कहीं आएगा, और भाई इधर ही कहीं हम लोग रहेंगे ताकि ना वो आस मतलब बगल वाले पुलिस स्टेशन पे आए ना तो उसको हम लोग देख कर ही उड़ा दे, कुचल कर ख़त्म कर दे पुलिस स्टेशन के सामने और हम लोग बचे। बाकी देखो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और आस पास ना भाई यहाँ पर कोई ऐसा बाइक नहीं है, मतलब वो बंदा यहाँ पर नहीं है और इस वाले पुलिस डिपार्टमेंट में ना भाई, तो मेरे को लगता है भाई वो आया भी होगा। देखो ठीक है यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ है और भाई बिना परमिशन में अंदर की तरफ ला चुका भाई। देखो यहाँ पर ना आस पास ना कोई बाइक ना यहाँ पर है नहीं, मतलब वो बंदा ना यहाँ पर पहुँचा नहीं है, बट हम लोग एक काम कर दे गाइस, हम लोग ना यहीं कहीं पर छुपे रहेंगे और अगर वो आया ना तो उसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो यार भाई देखो अभी ना यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम से, मतलब यार देखो अभी ना बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है और अभी तक ना भाई मैं लोकल पुलिस स्टेशन पे था, मतलब डिपार्टमेंट था, यहाँ पर ना भाई कोई भी बंदा ना बाइक वाइक लेकर के आया नहीं भाई, जो रिकॉर्ड कर रहा था वो बंदा तो यहाँ पर दिखाई नहीं, मतलब वो बंदा ना भाई यहाँ से निकल आया होगा सीधा लॉस एंटोस के लिए, यहाँ पर भाई वो आया ही नहीं। मुझे लगा यार इस वाले पुलिस डिपार्टमेंट पर पक्का आएगा भाई ये फुटेज देने के लिए, बट यहाँ पर भाई आया ही नहीं। बहुत बुरे हम लोग फंस हो गए, बट पता नहीं आगे क्या होगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन पता नहीं यार अब हम लोग क्या करेंगे अगर वो पुलिस वालों को जाकर फुटेज दे दिया तो चलो गाइस यार करते इस वाले वीडियो के एंड, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। फटाफट जाकर यार वीडियो को लाइक कर दो, एम है पूरे 13,000 लाइक का भाई, फटाफट से कंप्लीट करा देना ताकि नेक्स्ट एपिसोड ना जल्दी से जल्दी आ जाए। और गाइस मुझे साथ ही साथ ना इंस्टाग्राम में भी जाकर फॉलो कर लो, वहाँ पर भाई आपको जीडे की वीडियो कब आएगी ना वो सब बताता रहता हूँ एंड आपसे बातें भी करता हूँ, तो फटाफट से जाओ गाइस फॉलो कर लो। तो चलो गाइस यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।